और इस दौरान अभी का ताजा अपडेट आपको देते हैं कि 51 बोर्ड का यहां पर परिणाम आ चुका है। निकाय के रण में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है। और एक और अपडेट यहां पर हो गया, 52 निकायों की तस्वीर सीधे सीधे साफ हो गई। 30 निकाय में बीजेपी यहां पर जीत की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही है। 16 के अंदर कांग्रेस यहां पर जीती हुई दिखाई दे रही है। और 6 ऐसे निकाय हैं जहां पर बहुमत का आंकड़ा जो है वो निर्दलियों के पास, जिनमें से एक राजगढ़ है, एक रायसिंह नगर है, एक अनूपगढ़ है। तो 52 निकायों की तस्वीर साफ हो चुके। इस दौरान आप हमारी टीवी स्क्रीन पर आंकड़ा देख सकते हैं, आप अपनी पालिका के अंदर किसका बोर्ड बन रहा है, कितने वार्डों पर उसने कब्जा किया। आप नीचे देख सकते हैं, पोखरण की तस्वीर आपको इस वक्त दिखाई दे रही होगी, राजगढ़ की तस्वीर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां निर्दलियों के बिना कुछ भी मुमकिन नहीं। और आबू रोड की तस्वीर भी इस वक्त आपके सामने है, जरा देखिए। एक एक कर हम आपको पूरी तस्वीर जहां पर दिखा रहे हैं, देशनो के अंदर बीजेपी का बोर्ड, गंगापुर के अंदर कांग्रेस का बोर्ड, और इसके अलावा नतीजों की बात की जाए तो 52 के नतीजे अभी तक आ चुके हैं, जिनमें से बीजेपी 30 पर, कांग्रेस 16 पर, और अन्य की अगर बात की जाए तो वो 6 पर। बीजेपी 30 के साथ आगे की तरफ बढ़ती हुई यहां पर नजर आ रही है। तो इस वक्त की अपडेट हम आपको दे रहे हैं समाचार प्लस। सबसे पहले आपको अपडेट कर रहा है कि आखिर कौन सी पार्टी कितनी जगहों पर बोर्ड बनाने की सिचुएशन में नजर आ रही है। इस दौरान नीचे हम आपको यह भी दिखा रहे हैं कि कहां पर कितने वार्डों में से किस पार्टी को कितने वार्ड मिले हैं और कहां पर बहुमत का आंकड़ा उनको मिलता हुआ नजर आ रहा है। ताजा तस्वीर इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके सामने, नावा के अंदर बिना निर्दलियों के कुछ भी मुमकिन नहीं। बिदासर के अंदर निर्दलियों के बिना कुछ भी मुमकिन नहीं, और अनूपगढ़ के अंदर भी बिना निर्दलियों के कुछ भी मुमकिन नहीं। चलिए जयपुर का रुख करते हैं। मेरे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए अगर बात की जाए तो बीजेपी की तरफ से भजनलाल शर्मा जी जो कि उपाध्यक्ष हैं वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, रामनारायण मीणा जी जो कि कांग्रेस के नेता हैं वो मेरे साथ जुड़े हुए, और मानचंद खंडेला राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ बने हुए हैं। सबसे पहले भजनलाल जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। 52 का परिणाम अभी तक आया है, 30 पर बीजेपी यहां पर नजर आ रही है। आपसे पहले शिल्दा भाई जी हमारे साथ जुड़े हुई थी, वो कह रहे थे कि 100+ का आंकड़ा होगा, लेकिन 52 में से अभी का जो आंकड़ा है उसके मुताबिक क्या वाकई में आपको लगता है कि 100+ होंगे? सर, में आजादी के बाद पहली बार बीजेपी का वोट बन रहा है, लगता है उनसे हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, उनके पास दोबारा हम जाने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस दौरान ताजा अपडेट मेरे पास आ चुका है, तेजी से मैं आपको बताता हूं। जरा देखिए, एक एक की तस्वीर हम साफ करने की कोशिश करते हैं, बीजेपी के पास कौन कौन सा है। अगर बात बीजेपी की जाए तो बीजेपी बगरू, चौमू, गुलापुरा, रतनगढ़, राजन देसर, चाकसू, पिलारा, गंगापुर सिटी, सादुल शहर, साचो, भवानी मंडी, सोजा सिटी, केकड़ी, कुशलगढ़, कपासन, बड़ी सादी, बेगू, आसींद, लालसो, पीपार सिटी, इटावा, नैनवा, शाहपुरा, इंद्रगढ़, विजयनगर, रामगंज मंडी, सलुम्बर, देवली और रामगंज मंडी, ये वो पालिकाएं और निकाय हैं जहां पर बीजेपी जीत की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही है। चलिए एक बार फिर से जयपुर का रुख करते हैं, भजनलाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं बीजेपी की तरफ से। भजनलाल जी, 52 में से 30 पर बीजेपी यहां पर जीत की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही है, कहा जा सकता है कि बोर्ड बना लेगी। क्या आपको लगता है कि 129 में से 100+ का आंकड़ा आपका होगा, क्योंकि शिल्दा भाई जी कुछ ऐसा ही कहती हुई नजर आई थी? लगता है उनसे हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, जरा यह भी दिखा देते हैं इस दौरान कि कांग्रेस कहां कहां पर
जीतने की पोजीशन में नजर आ रही है। यह आंकड़ा भी हम आपको दिखा देते हैं। बूंदी, करौली, करौली के अंदर वैसे अगर बात की जाए तो परिषद है और यहां पर बिना निर्दलियों के कुछ भी संभव नहीं है। हिंडौन सिटी की अगर बात की जाए तो हिंडौन सिटी के अंदर बीजेपी से कांग्रेस के पास ज्यादा है, लेकिन अन्य यहां पर निर्णायक भूमिका में नजर आ रहे हैं। सुजानगढ़ की अगर बात की जाए तो सुजानगढ़ के अंदर भी कांग्रेस यहां पर बहुमत की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही है, लेकिन बिना अन्य के यहां पर भी कुछ भी मुमकिन नहीं। बात नवलगढ़ की जाए तो कांग्रेस यहां पर 35 में से 22 वार्डों पर जीतती हुई नजर आ रही है, बहुमत कांग्रेस के पास यहां पर। प्रतापगढ़ की अगर बात की जाए तो प्रतापगढ़ के अंदर 30 में से 16 कांग्रेस के पास है, बहुमत कांग्रेस के पास है। बिदासर की अगर बात की जाए तो बिदासर में भी कांग्रेस निर्दलियों के साथ मिलकर बोर्ड बनाने की सिचुएशन में नजर आ सकती है। चलिए एक बार फिर से जयपुर का रुख करने की कोशिश करते हैं, जरा देखते हैं कि क्या हमारे साथ जो गेस्ट इस वक्त बने हुए हैं उनसे संपर्क हो पाता है। भजनलाल जी, क्या अब तक मेरी आवाज पहुंच रही है? मैंने आपसे कहा कांग्रेस तो कह रही है ना कि हम सत्ता का बड़ा दुरुपयोग कर रहे हैं। ये निष्पक्ष चुनाव हुआ, स्थानीय निकाय के चुनाव थे और स्थानीय निकाय के जब चुनाव होते हैं उसमें बहुत सारे निर्दलीय फैक्टर काम करते हैं, बहुत सारे स्थानीय वार्डों के सामाजिक सरोकार के भी करते हैं। इसलिए मैं आज त्वरित टिप्पणी तो इसलिए नहीं करता कि वहां के वार्डों के बारे में जब विश्लेषण आएगा, पर मैं कह सकता हूं कि सारे राज्य भर के अंदर जो हुआ, अब सचिन पायलट जी जिस शहर से आते थे वहां नगर निगम के चुनाव में बहुत बुरी हालत हुई है, सीपी जोशी जिस भीलवाड़ा से आते थे वहां पर बहुत कम में आकर के सिमट गए। इसलिए मेरा यह कहना है कि इसका आकलन स्थानीय स्तर के ऊपर जिस प्रकार के समीकरण है और समाज जो सत्ता में जिस प्रकार की भागीदारी चाहता है, स्थानीय लोग, जाति बिरादरी भी चाहती है कि भाई एमएलए बन गए, एमपी बन गए, अब यहां स्थानीय निकायों में तो हमारा शासन होना चाहिए। इसलिए वो कुछ समीकरण होते हैं जिसके कारण कहीं एक एक वोट से, और आपने देखा कि नगर निकाय में एक तो बराबर वोट आए और वहां पर गोली के आधार के ऊपर और लॉटरी के द्वारा फैसला होगा कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। इसलिए वो चुनाव कोई एक रेफरेंडम नहीं कह सकते हम इसको। हम ये कह सकते हैं कि जनता की इच्छा क्या है, जनता की आकांक्षाएं क्या है आगे बढ़ने के नाते, और इसलिए मेरा कहना है कि चुनाव परिणाम जो आ रहे हैं निश्चित रूप से हमारा दायित्व बढ़ रहा है। लेकिन सर ये थोड़ा आप चिंतन का विषय, मैडम और मैनेजमेंट आपके लीडरशिप के लिए नहीं है कि झालावाड़ जैसी जो उनकी सीट है कितना डेवलपमेंट किया, बड़े बड़े अभी एमओयू। मैंने आपसे एक बात ये कही कि हम सारा राजस्थान की जहां जीते हैं वहां भी हम विश्लेषण करेंगे, ऐसा नहीं है कि एक एक सीट के बारे में हमारा अपना विश्लेषण हम आकलन करेंगे कार्यकर्ताओं की पार्टी के नाते। और मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि अगर आप झालावाड़ की बात करते हैं तो फिर जहां भारतीय जनता पार्टी को पहले से दुगने परिणाम अच्छे मिले वो क्रेडिट भी तो वसुंधरा जी की झोली में जानी चाहिए ना, उसको आप कैसे कह सकते हैं? आप एक तरफा निर्णय की बात नहीं कह सकते कि जहां जिस जगह पहले नगर निगम में मेयर अजमेर के अंदर कांग्रेस के हुआ करते थे, इस बार भाजपा का वहां पर मेयर होने जा रहा, तो ये क्रेडिट उनको नहीं जाएगी क्या? ये क्रेडिट भी तो उनको जानी चाहिए। पहले हमारे पास बहुत थोड़ी निकायें हुआ करती थी, आज हम दुगने होते जा रहे हैं, तो ये क्रेडिट भी तो मुख्यमंत्री के खाते में जानी चाहिए। ये एक तरफा फैसला नहीं हो सकता इन सारे मामलों के अंदर। मैं निश्चित कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति राज्य की जनता जो है उसका एक समर्थन और विकास के नाते उसका रुझान प्रकट हो रहा है और उस पर हम खरे उतरेंगे। पकड़ेंगे आप, परिणाम आ जाने दीजिए, हम परिणाम में हम जज नहीं बनना चाहते, ये निर्वाचन अधिकारी का काम है, गिनती उसको कर लेने दीजिए। थैंक यू वेरी मच। तो पूरी समीक्षा बीजेपी पहले से कर बैठी है, लेकिन वो निर्णायक भूमिका में आने के बाद भी जज यहां पर बनना नहीं चाहती है, सीधी सी बात है, क्योंकि निर्दलियों के बिना कुछ भी मुमकिन नहीं नजर आ रहा है। और काफी बोर्ड ऐसे होंगे जहां पर निर्दलियों के साथ ही बीजेपी बोर्ड बना पाएगी। इसके अलावा आंकड़ा हमारे पास लगभग पहुंच चुका है कि आखिर कहां पर क्या कुछ है। एक बार टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं, आप अपनी पालिका को देख सकते हैं कि वहां पर किसका बोर्ड बनता हुआ कहां पर नजर आ रहा है, क्योंकि काफी अहम ये चुनाव है और निर्दलियों के बिना यहां पर कुछ भी होना मुमकिन नजर नहीं आ रहा। एक बार फिर से जयपुर का रुख करते हैं। जयपुर से मेरे साथ शिवचंद साहू जी बीजेपी से जुड़े हुए हैं, रामनारायण मीणा जी कांग्रेस से जुड़े हुए हैं और मानचंद खंडेला जी मेरे साथ राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर जुड़े हुए हैं। शिवचरण जी, आपके साथ मैं शुरुआत करना चाहूंगा। अजमेर का रुझान यहां पर आ चुका है, अजमेर की अगर बात की जाए तो
60 में से 30 के ऊपर बीजेपी यहां पर जीती है, जबकि वासुदेव देवनानी यहां से हैं, अनीता भदेल यहां से हैं, और इसके अलावा अगर बात की जाए सांवरलाल जाट भी यहां से हैं। आपके तीन तीन नेता जिस जगह से हो, जो बीजेपी का गढ़ हो, वहां पर भी पॉइंट पर आकर रुकना, क्या वाकई में आप इसको एक बड़ी जीत कहते हैं? आवाज नहीं आ रही मेरे को? देखिए, बीजेपी का जो परिणाम जो पूरे राजस्थान का आ रहा है जी, उसमें साफ रूप से रुझान जो है बीजेपी के पक्ष में ही आ रहा है जी। और पर्टिकुलर अजमेर की बात करें तो किसी स्थान से ज्यादा लोगों की सत्ता में शिरकत होने से कोई वोटर पर फर्क नहीं पड़ता है जी। वोटर ने जो रुझान दिया है वो अजमेर का रुझान भी बीजेपी का बोर्ड वहां बनने जा रहा है यही दिया है जी। कुछ लोग जो पार्टी की विचारधारा के होते हैं, किसी कारण से उनको टिकट नहीं मिलती है, वो निर्दलीय भी चुनाव लड़ लेते हैं तो भी जीत करके वो पार्टी की मुख्य धारा से जुड़ जाते हैं जी। ऐसी स्थिति में अजमेर का बोर्ड भी निश्चित रूप से बीजेपी ही बनाने जा रही है, और हमारे जो वहां की जो मंत्रीगण हैं वो इस उनकी अभी मतदाताओं पर पकड़ है। जब बहुमत हमारे पक्ष में आ रहा है तो ये नहीं कहा जा सकता कि हमारे नेताओं की वहां पकड़ नहीं रही है। चलिए शिवचरण जी, इसका जवाब मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि आपने कहा कि जो विचारधारा से जुड़ते नहीं है, जिनको टिकट नहीं मिलता है, वो बागी होकर मैदान में होता है जो बाद में वापस आ जाता है। तो क्या ये कहा जाए कि बागियों को लेकर बीजेपी पहले से वन लाइनर है कि बागी जो भी होंगे और जहां पर उनकी जरूरत होगी कार्रवाई नहीं होगी, उनको पारितोषित किया जाएगा, वापस बुलाया जाएगा? नहीं, कार्रवाई की बात नहीं है, बहुत सारी परिस्थितियां होती हैं। कार्यकर्ता कई बार जोश में भावेश में कर देता है, पार्टी में आकर के अपनी गिला शिकवा दूर कर देता है, स्पष्टीकरण दे देता है। ऐसी स्थिति में पार्टी उसे को लगता है कि इसकी कोई खास गलती नहीं है, भावेश के कारण से इसने ऐसा चुनाव लड़ लिया, या वहां लोकल स्थानीय मतदाताओं के दबाव में वो पार्टी लाइन से थोड़ा हट गया। तो ऐसी स्थिति में अगर भावावेश शाम को घर आ जाए तो पार्टी में, शिवचरण जी, इसी भावावेश को आप विधानसभा और लोकसभा में क्यों नहीं समझते, फिर 6 साल का हंटर क्यों? लोकसभा विधानसभा में भी ऐसी कोई बात नहीं है, पार्टी में बहुत सारे कार्यकर्ताओं को जो है पार्टी। मैं आपको रोकना चाहूंगा, अजमेर की तस्वीर आपको साफ कर देते हैं। यहां पर बीजेपी जो बहुमत की तरफ बढ़ती हुई यहां पर नजर आ रही है, 31 वार्डों पर बीजेपी ने यहां पर कब्जा किया है, 22 वार्डों पर कांग्रेस ने यहां पर कब्जा किया है, और 7 पर निर्दलीय प्रत्याशियों का कब्जा यहां पर नजर आया। 7 के जो 60 यहां पर वार्ड है जिनको मिलाकर नगर निगम यहां पर बना है, उसकी तस्वीर यहां पर साफ हो चुकी है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि बोर्ड यहां पर बीजेपी का बन चुका है, और प्रदेश की 7 नगर निगम के अंदर अब बोर्ड बीजेपी का है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन सवाल इस बीच ये खड़ा होता है कि जब यहां पर 55 वार्ड हुआ करते थे, जब यहां पर प्रदेश के अंदर कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, उस दौरान 55 में से बीजेपी 27 वार्डों पर कब्जा करती, लेकिन अब प्रदेश के अंदर बीजेपी की सरकार है, अजमेर के अंदर 2-2 मंत्री हैं, और उसके बाद 50% वार्डों के अंदर कब्जा करना, क्या वाकई में कांग्रेस को बीजेपी को सुकून पहुंचाता हुआ नजर आएगा? तस्वीर वाकई में दिलचस्प होगी। इस दौरान यह भी मानकर चला जा सकता है कि जो निर्दलीय हैं वो बीजेपी की तरफ जा सकते हैं, यानी जो आंकड़ा है वो 38 के करीब पहुंच सकता है, यह भी माना जा सकता है, क्योंकि यहां पर बीजेपी का बोर बनना पूरे तरीके से तय है। तो अजमेर का जो परिणाम है, सबसे पहले हम आपको दिखा रहे हैं कि आखिर अजमेर नगर निगम के अंदर किसका बोर बन रहा है, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि यहां पर बीजेपी का बोर बन चुका है। जश्न की तस्वीरें यहां से भी आनी शुरू हो जाएंगी, लेकिन निर्दलीय और कांग्रेस यहां पर कुल मिलाकर कुछ भी करते हुए नजर नहीं आएंगे, क्योंकि ये आंकड़ा 29 होगा और 31 का बहुमत का आंकड़ा बीजेपी के पास है। और अजमेर से मेरे सहयोगी संतोष सोनी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। संतोष, क्या यह कहा जाए कि शायद यह आंकड़ा जो आया है बीजेपी को सुकून ना पहुंचाए, क्योंकि शायद उम्मीद इससे ज्यादा की यहां पर की जा रही है? जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। नगर निगम की जो 7 वार्डों के चुनाव हुए थे और उसमें जो उम्मीद जताई जा रही थी वो ये थी कि कम से कम 35 से 36 जो है वार्डों में भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, लेकिन जब परिणाम आए, शुरुआती रुझान हालांकि बीजेपी के पक्ष में रहा, लेकिन जैसे जैसे परिणाम आगे बढ़ते गए वैसे वैसे कांग्रेस जो है सशक्त दावेदारी के रूप में उभर के आया। हालांकि अंतिम जो परिणाम आए हैं उसमें बीजेपी के लिए राहत की बात यह है कि 31
जो सीटें हैं वो जीत चुकी है, लिहाजा मेयर नगर निगम में बीजेपी का बनना तय है जी। लेकिन संतोष जी, दौरान ये मान लिया जाए कि जो सात निर्दलीय उनमें से पांच या छह बीजेपी के साथ आ सकते हैं या सातों के साथ आ जाए और ये जो आंकड़ा है ये 36 से 38 पहुंच जाए। जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा कि जो सात निर्दलीय जीते हैं उसमें से पांच तो भाजपा के बागी है जी, तो निश्चित बात है कि वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की पृष्ठभूमि से जुड़े हुए हैं। पहले इनके सक्रिय कार्यकर्ता रहे हैं लेकिन टिकट वितरण से नाराज होकर इन्होंने निर्दल, तो ये बिल्कुल सही है कि चूंकि विचारधारा इनकी भारतीय जनता पार्टी की है और वैसे भी सत्ता की अगर बात करें तो केंद्र से लेकर राज्य सरकार तक बीजेपी की है, यहाँ भी स्पष्ट बहुमत बीजेपी को मिल चुका है, मेयर उनका बनना तय है, तो ये सही है कि लगभग जो सात है इसमें से पांच पार्षद जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पास में जा सकते हैं और इस प्रकार को मिलाकर अगर देखा जाए तो 36 पार्षद जो है एक स्पष्ट बहुमत के रूप में हम देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पास में रहेगा। चलिए, इस दौरान आपको मुबारकबाद हम देना चाहेंगे क्योंकि आपने जो समाचार प्लस के साथ एग्जिट पोल जो किया था, दर्शकों के लिए जो एग्जिट पोल किया था वो एकदम सटीक यहाँ पर बैठता हुआ नजर आ रहा है। इस दौरान कांग्रेस वहां पर किस तरीके की रिएक्शन देती हुई नजर आ रही है, क्योंकि अगर बात अजमेर की जाए तो पीसीसी चीफ की प्रतिष्ठा के साथ जोड़कर इसको देखा वहां पर जा रहा होगा। बात ठीक है कि कहीं ना कहीं सचिन पायलट यहाँ से पूर्व में सांसद और केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, उनकी प्रतिष्ठा का विषय यहाँ बना हुआ था, लेकिन जिस प्रकार जब वोटिंग हुई जिस दिन, उस दिन से कांग्रेस के खेमे में मायूस थी, बल्कि आज देखा जाए तो उनके चेहरे पर फिर भी हर्ष की रेखा जो है नजर आती है, क्योंकि उनको इतनी भी उम्मीद नहीं थी कि उनके 22 पार्षद जो है चुनाव जीत सकते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके लिए भी राहत की बात है क्योंकि केंद्र और राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। उसके अलावा एक और बात बताना चाहूंगा कि जिस तरह के सपने अजमेर की जनता को केंद्र सरकार ने दिखाए, पहले स्मार्ट सिटी उसके बाद हेरिटेज सिटी, इस तरह से लोगों को तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, सबसे पहले सटीक सर्वे दिखाने और सबसे पहले परिणाम हमारे दर्शकों को दिखाने के लिए कि आखिर अजमेर की क्या कुछ तस्वीर निकलकर सामने आ रही है। रामनारायण जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगा, क्या जो 22 का आंकड़ा यहाँ पर अजमेर के अंदर आया है और मेरे सहयोगी जो कह रहे थे, क्या वाकई में अजमेर जो कि पीसीसी चीफ सचिन पायलट का गढ़ है वहां पर कांग्रेस को इतनी भी उम्मीद नहीं थी कि 22 का आंकड़ा वहां पर आ पाएगा, क्या ये सुकून पहुंचाने वाला है या आपकी उम्मीदों के उलट है? मैं सुरेश चौधरी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी का प्रवक्ता बोल रहा हूं जी। अजमेर की जो स्थिति आई है, बीजेपी ने अपने शासन का पूरा उपयोग अजमेर नगर निगम पे कर दिया, सारे अधिकारी वहां लगा दिए, वहां सारा प्रशासन लगा दिया, सारे नेताओं को लगा दिया, उसके बाद भी हमारे सचिन जी की वहां पकड़ है, वहां जनता में उनकी पहचान है, उसी की वजह से हमारी ये 21 सीटें आई हैं। यानी कि सुरेश जी, आप ये कहना चाहते हैं कि चुनाव लड़ने से पहले आपको ये पता था कि वहां पर आप हार रहे हैं? नहीं नहीं, चुनाव लड़ने से पहले हमें यह पता था कि बीजेपी वहां राज का दुरुपयोग करेगी, जो किया है। यानी कि आप हार नहीं मान रहे हैं, इसका दूसरा पहलू आप यह दिखा रहे हैं कि बीजेपी ने शाम दाम दंड भेद वहां पर लगाया, और अगर ऐसा होता तो क्या सिर्फ 31 का आंकड़ा होता? आप इसी से अंदाज लगा लें कि शाम दाम दंड भेद लगाने के बाद में भी वो 31 तक ही पहुंचे हैं, झालावाड़ खो चुके हैं। मानचन जी, मैं आपके पास क्या वाकई में इसको क्या कहा जाए, जो तर्क कांग्रेस की तरफ से यहाँ पर सुरेश जी दे रही हैं, इसको क्या कहा जाए? क्या सचिन पायलट जो हैं उनके प्रतिष्ठा को बचाने की एक कोशिश कहा जाए, या फिर हार के दूसरे पहलुओं को गिनाकर यह दिखाया जाए कि कांग्रेस वहां पर मजबूत है? देखिए, मैं समझ रहा हूँ कि जो वातावरण जैसे मॉनिटरिंग हो रहा था ना, उसमें थोड़ा उल्लास या हंसी का वातावरण बना दिया। देखिए, सरकार दुरुपयोग कर रही है अजमेर में, लेकिन वही सरकार झालावाड़ में नहीं कर रही है जहां उनकी राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठा दांव पर है। मोदी जी देख रहे हैं कि झालावाड़ में क्या हो रहा है और वो ये देखना चाह रहे हैं कि वसुंधरा जी का क्या करें, कैसे करें, कब करें, वहां पे नहीं कर रही है और अजमेर में कर रही है। ये बात हंसने के अलावा कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर भी मैं आप कहना चाह रहा हूं, इतनी ज्यादा निराशाजनक स्थिति कम से कम कांग्रेस की नहीं रही, ये काबिले तारीफ है। क्योंकि मैं जहां तक समझ रहा था कि आमतौर पर धारणा ये थी कि वहां सब कुछ लगाने के बावजूद भी वहां ये परिणाम नहीं होगा। और देखिए, इसको दूसरे रूप में देखिए, दो राज्य मंत्री राज्य के, एक केंद्रीय मंत्री, उसके बावजूद एक से बहुमत, ये भी तो अपना में प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा है ना। तो कांग्रेसियों को वास्तव में वही बात बोलनी चाहिए जो बोलने लायक है। सचिन जी का लेकिन, लेकिन, ये बात बोलिए। लेकिन मानचंद जी, अगर इसको देखा जाए तो, अगर कांग्रेस के नजरिए से भी देखा जाए तो दिग्गज कांग्रेस की तरफ से भी वहां पर रहते हैं।
नहीं वो तो रहता ही है, लेकिन मैं बार बार आपसे कह चुका हूँ यहाँ हर जगह चोर पायलट जी लड़ रहे हैं। दिग्गज जी ने आपने देख लिया, सीपी जोशी का हाल देख लिया, अशोक जी जा रहे थे, सीपी जोशी जी बिल्कुल नहीं आ रहे थे, और डूडी जी जो है ना खड़े नहीं कर सके। अब आप किसको दिग्गज कह रहे हैं? क्या कांग्रेस वन मैन आर्मी की तरह लड़ती नजर आई थी? वन मैन आर्मी की तरह तो लगी थी, आर्मी भी उतनी नहीं थी उनके पास में, वन मैन लीडर था, आर्मी वास्तव में कमजोर थी जी। और आर्मी देखिए, आर्मी बनती है पार्टी में कार्यकर्ताओं से, और वो भी सक्रिय कार्यकर्ताओं से, और वो भी समर्पित कार्यकर्ताओं से, और वो समर्पित कार्यकर्ता क्यों होंगे इसका प्रश्न जो है पार्टी के पास में नहीं है जी। लेकिन मैं यहाँ पे ये कहना चाह रहा हूँ, कांग्रेस को इसको इस रूप में रखना चाहिए कि तीन तीन मंत्री होते हुए भी केवल एका भवन लिया, इसलिए कांग्रेस वास्तव में ज्यादा जो है खुश। शिवचरण जी आप क्या कहना चाहेंगे यहाँ पर? वाकई में अजमेर कम से कम बीजेपी के लिए चौंकाने वाला है। खुद बीजेपी उम्मीद करके बैठी होगी कि 38 से 42 के बीच में उसको वार्डों के अंदर जीत मिलेगी, लेकिन सिर्फ 31 वार्डों के अंदर जीत। क्या आप ये कहेंगे कि ये बीजेपी की बड़ी जीत है, या फिर हारकर भी जीतने वालों को जिस तरीके से कहा जाता है वो कांग्रेस यहां पर नजर आई? देखिए ऐसी कोई बात नहीं है, बीजेपी को अजमेर से निश्चित रूप से ज्यादा सीटें मिलने की संभावना थी, लेकिन कई बार जो पार्षद का हम जो टिकट देते हैं किसी कार्यकर्ता की खुद की व्यक्तिगत छवि भी आड़े आ जाती है, ऐसी स्थिति में किसी कार्यकर्ता का मैनेजमेंट सही नहीं होता है तो उस वजह से भी सीट लूज हो जाती है। तो ये तो नहीं कह सकते कि अजमेर में बीजेपी को अच्छा परिणाम नहीं मिला। जब बीजेपी को अजमेर में बहुमत मिल गया तो वो बहुमत जो है दो तिहाई हो, ऐसी कोई स्थिति नहीं है। ये अपने आप में एक संकेत है कि जनता ने कंपेरेटिव रूप से अजमेर में भी बीजेपी को चुना है, वसुंधरा जी में विश्वास व्यक्त किया है, और सरकार की जो वर्तमान कार्य प्रणाली है उसके ऊपर एक अपनी मोहर लगाई है। इससे ये साफ बात जाहिर है कि अजमेर की जनता ने बीजेपी को ही पसंद किया है, बीजेपी का ही वोट बन रहा है, और छोटी मोटी कोई कार्यकर्ता की नाराजगी से कोई एक आधी सीट खो भी जाती है तो कोई खास बात नहीं, वो कार्यकर्ता और मतदाता भी अंतों को तो पार्टी से ही जुड़ते हैं। साहू जी मेरी बात शायद हमारे दर्शक इस चीज को बहुत बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे कि राजनीति किस तरीके से चलती है और किस किस रंग के अंदर नजर आती है। बीजेपी जितनी उम्मीद थी उससे कम आंकड़ा यहां पर छू रही है, लेकिन जीत का जश्न मना रही है। कांग्रेस उम्मीद से ज्यादा यहां पर बार जीती हुई नजर आई, लेकिन हार चुकी है वो भी जश्न यहां पर मना रही है। ये दो अलग अलग तस्वीरें यहां पर मानचंद जी किस तरफ इशारा करती है? देखिए मैं कह रहा हूं साहू जी को ये देखना चाहिए कि सावरमल जी क्या कर रहे थे, और जो है आपके दो मंत्री जो थे यहाँ के वो दहाड़ दहाड़ कर कह रहे थे कि हम बिल्कुल नेस्ताबूत कर देंगे, कोई इनका ठिकाना नहीं है, कांग्रेस का लेने वाला कोई नहीं। इसका मतलब उनका मैनेजमेंट, उनका वास्तव में प्रभावी करना मतदाताओं को, इसका क्या हुआ? देखिए मैं कह रहा हूं अब तो आप जीत गए, लेकिन और भी तो चुनाव जीतने हैं ना, इसलिए आप यथार्थ को स्वीकार कर लीजिए कि अब की बार के चुनाव में वास्तव में विकल्प के अभाव में बीजेपी वास्तव में ज्यादा जीती है, और कांग्रेस पार्टी समेट नहीं पाई है, सारे मुद्दे दिए बीजेपी ने उसको समेट नहीं पाई है, और जहां पे इंडिपेंडेंट कुछ करिश्मा कर सकते थे वो करिश्मा उन्होंने किया है। और फिर मैं बार बार कह रहा हूं कि जो इंडिपेंडेंट 5-7 के आसपास में है उनको आप नकारिए मत, आप ये मत मानिए कि वो ही आपके पास में आएंगे। आजकल बलशाली हो गए, धनशाली हो गए इंडिपेंडेंट भी अपने क्षेत्र में, और वो बीजेपी से भी और कांग्रेस से भी बार्गेनिंग करेंगे। मैं आपको ये बता रहा हूं जहां जहां हो सकता है। जी मैं आपको करना चाहूंगा, क्योंकि बीजेपी लगातार ये कहती आई है कि 100+ का आंकड़ा छुआ जाएगा। वो एक अलग बात है कि शुरुआत में मिशन 129 दिया गया, फिर मिशन 125 हुआ, अब 100+ की बात आ रही है, लेकिन जो आंकड़ा यहां पर है 53 जो बोर्ड है उनका तस्वीर लगभग साफ हो चुकी है। 31 पर बीजेपी बोर्ड बनाएगी कोई इसमें डाउट नहीं है, लेकिन 22 ऐसी जगह है जहां पर बीजेपी से ज्यादा कांग्रेस को वार्ड यहां पर मिले हैं, यानी कि कांग्रेस बीजेपी से ज्यादा स्ट्रांग है, निर्दलियों की जरूरत यहां पर काफी जगह पड़ेगी, और 7 ऐसी जगह है जहां पर निर्दलियों की संख्या बहुमत की तरफ है, यानी कि बहुमत निर्दलियों के पास है, यानी कि अगर कांग्रेस और निर्दलियों को मिलाया जाए तो 29 का आंकड़ा यहां पर आता है, यानी अब जो तस्वीर बच गई वो 100 बच गई। 100+ किस तरीके से करेंगे? देखिए मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जहां तक इंडिपेंडेंट है और जो बहुमत में तो मान के चलिए, देखिए आजकल वहां हो क्या रहा है क्षेत्रों में, अगर शिवचरण जी इस चीज को समझाए तो मुझे लगता है ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि वो बीजेपी से जुड़े। मैं कहना चाह रहा हूं कि जो ये एक आंकलन लिया जा रहा है कि 7 जगह से निर्दलीय आ रहे हैं, 22 जगह से कांग्रेस आ रही है,
तो निर्दलीय जहां बोर्ड आ रहे हैं वो बोर्ड भी बीजेपी के खिलाफ आ रहे, ऐसी कोई बात नहीं है। क्योंकि बोर्ड बहुत सारी जगह जो है, कहीं बीजेपी का बोर्ड पहले था, कहीं कांग्रेस का बोर्ड था, और ज्यादातर वर्तमान में जो बोर्ड है एग्जाम्पल कांग्रेस के बोर्ड का एग्जाम्पल आपके खिलाफ मत बताएं, एग्जाम्पल आपको दे रहा हूं। अब बताइए बीजेपी यहां पर क्या करेगी। कुल 45 यहां पर वार्ड है, बीजेपी 11 वार्डों में जीती है, कांग्रेस 18 वार्डों के अंदर जीती है, बीजेपी 11 कांग्रेस 18, अन्य यहां पर 16 है। अब जरा बताइए यहां पर बोर्ड किसका होगा। देखिए जहां तक हिंडौन का बात है, रिजल्ट आया है, निर्दलियों की कोई पार्टी नहीं होती है, निर्दलीय तो जीतने के बाद में तय करेगा कि उसका जो मतदाता है उसका दबाव किसकी तरफ है। अगर उसका दबाव भारतीय जनता पार्टी की तरफ है, मतदाता ने इस रूप में उसको जीता है कि तेरे को जो है भारतीय जनता पार्टी से जुड़ना है, तो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ जाएगा। अगर कांग्रेस से प्रभाव से अगर मतदाता शिवचरण जी, अगर मतदाता को भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ना था तो वो भारतीय जनता पार्टी के जो आपने प्रत्याशी खड़े किए हैं उसको क्यों नहीं चुने। कई बार ऐसी परिस्थिति होती है, मोटे तौर पर हम देख नहीं पाते हैं, एक पर्टिकुलर कार्यकर्ता का जनता में पकड़ होता है और भाजपा का अच्छा कार्यकर्ता होता है, किसी कारण से वो उसको टिकट नहीं मिल पाती है, स्थानीय समीकरण नहीं बैठ पाते हैं और बाकी फिर अपने हो जाते हैं, प्यारे हो जाते हैं, एक बार फिर से पार्टी के अंदर आ जाते हैं। आपको यहां पर ताजा तस्वीर से अपने दर्शकों को यहां पर रूबरू करा देते हैं, अपडेट यहां पर करा देते हैं कि निकाय के रण में फिलहाल क्या कुछ ताजा अपडेट यहां पर मिल रहा है। नगर परिषदों से दिलचस्प तस्वीर सामने आई, 4 नगर परिषदों में कांग्रेस की जीत है। जीत का मतलब है कि बीजेपी से ज्यादा वार्ड कांग्रेस को मिले हैं और 2 नगर परिषद के अंदर बीजेपी जीत की तरफ बढ़ रही है, यानी कि मतलब इसका यह है कि कांग्रेस से ज्यादा स्ट्रोंग बीजेपी यहां पर नजर आ रही है। यह तस्वीर हम आपको बाद में साफ करेंगे कि आखिर किस तरीके से यहां पर बीजेपी और कांग्रेस बोर्ड बनाने की तरफ बढ़ रहे हैं और निर्दलीय यहां पर डिसाइडिंग फैक्टर नजर आएंगे। लेकिन 15 नगर परिषदों की तस्वीर की अगर बात की जाए तो यहां पर 2 पर बीजेपी कांग्रेस से ज्यादा स्ट्रोंग है, तो 4 के अंदर कांग्रेस बीजेपी से ज्यादा स्ट्रोंग। सूरज जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगा क्योंकि जो निकाय के अंदर नगर परिषद की तस्वीर निकलकर सामने आई है उसके अंदर फिलहाल हमारे पास 6 नगर परिषद की तस्वीर आई है, जिनमें से 2 के अंदर बीजेपी स्ट्रोंग है और 4 के अंदर कांग्रेस स्ट्रोंग यहां पर नजर आ रही है। सबसे पहला सवाल तो यही कि क्या आप ये आंकलन लगा पाएंगे कि वो 4 नगर परिषद कौन कौन सी हैं जहां पर कांग्रेस बीजेपी से ज्यादा स्ट्रोंग है। नहीं, ये तो मैं अभी आपके स्टूडियो में हूं, परिणाम कहां के आए ये मुझे आइडिया नहीं है। लेकिन सोलंकी जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं शिवचंद जी की बात से सहमत नहीं। निर्दलीय और कांग्रेस का जो वोट है वो सरकार के खिलाफ, अगर बीजेपी को उनको जिताना होता, खंडेला जी ठीक कह रहे थे कि बीजेपी को वोट देते, कांग्रेस को जिताना होता तो कांग्रेस को वोट देते, लेकिन सरकार के वो खिलाफ है। और इससे ये सिद्ध हो रहा है, इन नगर पालिकाओं के चुनाव के परिणामों के रुझान से ये सिद्ध हो रहा है कि कहीं ना कहीं सरकार की खिलाफत जनता में है, सरकार के खिलाफ मतदान हुआ है। और ये देख के मान लेना चाहिए कि भाजपा ने जनता में अपना विश्वास खो दिया है। सुरेश जी, कांग्रेस में कौन सा विश्वास बचा हुआ था जब 163 बीजेपी लेती हुई नजर आई थी, लोकसभा के अंदर 25 लेती हुई नजर आई थी, निकाय के अंदर 46 में से 40 बीजेपी लेती हुई नजर आई थी, पंचायत चुनाव के अंदर प्रधान और सरपंच बीजेपी बनाती हुई नजर आई थी। देखो, तभी हमारी 21 सीट आई, हमने विश्वास खोया तब 21 सीट आई, हमने विश्वास खोया तो 25 में से हमारा एक नहीं आया, ये सत्य है जी। जैसे ही चुनाव होने के बाद में उपचुनाव हुए, 4 में से हमने 3 लिया, जनता ने हमारे को स्वीकारा। अब उसके बाद में पंचायत राज के जो इलेक्शन हुए, हमने 15% वोट अक्सा लिए। और आप अभी भी देखना, जब पूरे परिणाम आ जाएंगे, पार्षद हमारे कितने जीत के आते हैं, वोट बैंक हमारा कितने, वोट परसेंटेज हमारा कितना बढ़ता है, वो आपके सामने आ जाएगी। चलिए मान लीजिए, आपको कुछ आंकड़ा यहां पर देता हूं जो मेरे पास यहां पर पहुंच चुका है। आप बताइएगा बोर्ड किसका बन सकता है, क्योंकि जब समाचार प्लस ने एग्जिट पोल किया था आप हमारे साथ बैठे हुए थे और हमने दिखाया था कि 15 परिषद के अंदर सिर्फ 4 ऐसे बोर्ड नजर आ रहे हैं जहां पर बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ होगी, 1 या 2 बोर्ड ऐसे हैं जहां कांग्रेस पूर्ण बहुमत के साथ होगी और बाकियों के अंदर
निर्दलीय डिसाइडिंग फैक्टर होंगे। मैं कुछ आंकड़ा आपको दे रहा हूं, बताइएगा कहां पर किसका बोर्ड बन रहा है। बूंदी के अंदर 45 में से बीजेपी 20, कांग्रेस 21, ज्यादा कांग्रेस के पास है लेकिन चार यहां पर अन्य है, बोर्ड किसका बनाएंगे? देखिए बूंदी में 100% जरा बीजेपी का बनेगा, कोई बात चलिए इसको हम यहां पर क्लिक। चलिए दूसरा मैं आंकड़ा देता हूं, करौली 40, यहां पर कुल वार्ड है, बीजेपी 7 पर है, कांग्रेस यहां पर 15 पर है, अन्य यहां पर 18 है, अन्य 18 है, बोर्ड किसका बनाएंगे? लेकिन मैं कह रहा हूं अब आप मान के चले करौली कौन से जगह है जहां पर एक जाति विशेष का प्रभुत्व है, बिल्कुल, और पिछली बार जो है वास्तव में उनको हारना पड़ा था और इसलिए वो चाहेंगे कि बोर्ड हमारा यानी हमारी जाति वाले का बने और इसलिए कांग्रेस हो सकता है उनका सहयोग करे क्योंकि वो सहयोग करना ही चाहिए, उनको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बीजेपी का नहीं बनेगा ये बिल्कुल तय बात है और कांग्रेस का भी नहीं बनेगा इसकी आशंकाएं ज्यादा है और इंडिपेंडेंट बनेगा इसकी संभावनाएं बहुत ज्यादा है। यानी कि शिवचरण जी आपसे मैं जानना चाहूंगा, करौली को ये मान लिया जाए कि ये करौली आपके हाथ से निकल रही है? ऐसा कुछ नहीं है, जहां पर निर्दलीय जीत के आए हैं, मैं पहले भी कह चुका हूं निर्दलीयों की कोई पार्टी नहीं होती है, ज्यादातर देखने में यही आया है कि निर्दलीय में कोई किसी पार्टी में जाके जुड़ते हैं। यानी कि 40 में से सिर्फ 7 वार्ड जीतने के बाद भी आप ये कह रहे हैं कि वहां पर बोर्ड बीजेपी बनाएगी? हो सकता है, आगे कोई कोई जरूरी नहीं है, ये मैंडेट के अगेंस्ट जाकर बीजेपी बोर्ड बनाएगी। चलिए ठीक है, एक और आंकड़ा मैं आपको दे रहा हूं, आंकड़ा है हिंडोन का, हिंडोन के अंदर 45 कुल वार्ड है, बीजेपी 11 पर है, कांग्रेस 18 पर है, अन्य यहां पर 16 है। खंडेला जी सबसे पहले आपसे, बोर्ड किसका बनाएंगे? देखिए वही संभावना है कांग्रेस की यहां पर है और आशंका बिल्कुल है कि बीजेपी नहीं बनाएगी, लेकिन एक संभावना यह भी है कि या तो अध्यक्ष या उपाध्यक्ष किसी इंडिपेंडेंट को दे। अच्छा जिस क्षेत्र की आप बात कर रहे हैं ना, मैं बार बार आपसे कह रहा हूं उसकी सोशियोलॉजी को समझिए, आप वहां की इकोनॉमिक्स को समझिए और वहां की जो मंतव्य जो है ना लोगों का उसको समझिए, वो ये कहते हैं कि एक चेयर बोले साहब वो बोले बोले चेयरमैन खड़ा हो गया। ये परिणाम खंडेला जी सिर्फ परिणाम परिषद नहीं बल्कि अगर राजगढ़ की भी बात की जाए उसी इलाके की तो वहां पर भी निर्दलियों का दबदबा है। मैं बिल्कुल यही कह रहा हूं आपसे क्योंकि निर्दलीय छोड़ेंगे नहीं, अब वो कितना पकड़ पाएंगे ये बात की बात। शिवचरण जी क्या हिंडोन के अंदर बीजेपी बोर्ड बनाएगी? 11 है, 16 अन्य है। देखिए हो सकता है, वो तो जब पार्सल सारे इकट्ठे होते हैं उनके मंतव्य से तय होता है, लेकिन ये भी हो सकता है बीजेपी वहां बोर्ड बनाने के लिए कोई उनकी निर्दलियों की चॉइस का कोई आदमी बीजेपी में देते और पास आना चाहूंगा। बात करौली और हिंडोन की यहां पर कर रहे हैं आप, दोनों जगह बीजेपी से ज्यादा लीडिंग पोजिशन के अंदर है, निर्दलियों के बिना कुछ होगा नहीं, क्या बीजेपी को रोकने के लिए बीजेपी का बोर्ड ना बने, निर्दलियों की हर शर्त को मानकर बोर्ड बनाने की पोजिशन में आप आते हुए नजर आएंगे? हेलो जी सुरेश जी, सवाल आपसे। नहीं बिल्कुल बिल्कुल, हम वहाँ दोनों जगह बोर्ड बनाने का प्रयास करेंगे, वहाँ हमारे विधायक भी हैं और वहाँ हमारा बोर्ड बनेगा जी। लेकिन मेरे एक समझ में नहीं आ रही कि जहाँ बीजेपी के बोर्ड पार्षद 11 हैं, कांग्रेस के 18 हैं जी, 16 निर्दलीय हैं और फिर भी शिवचंद जी कह रहे हैं बोर्ड हमारा बनेगा, तो इससे सत्ता का जो दुरुपयोग है, धन बल की जो बात प्रचलित है, इसका मतलब उसका प्रयोग पूरे राजस्थान में ये करने की पूरी कोशिश। और अगर कांग्रेस के नजरिए से सुरेश जी, अगर कांग्रेस के नजरिए से इसको देखा जाए तो क्या ये मान लिया जाए कि निर्दलियों के सामने कांग्रेस हथियार सिर्फ इसलिए डालेगी क्योंकि बीजेपी को रोकना और ये दिखाना है कि प्रदेश के अंदर कितने बोर्ड के अंदर कांग्रेस का बोर्ड बना है? नहीं, हम हथियार डालने का काम कांग्रेस नहीं करेगी, कांग्रेस हमेशा अपना बोर्ड बनाने की कोशिश करेगी। हाँ बिल्कुल, वहां निर्दलियों का बहुमत है, चाहे उप चेयरमैन की बात हो वो निर्दलियों को देना पड़ेगा और कमेटियां निर्दलियों को देनी पड़ेंगी, निर्दलियों का सहयोग लेना पड़ेगा, उसमें कहीं संदेह नहीं है जी। साहब एक मिनट मेरी सुन ले, साहू जी आपको चुनौती नहीं आपको आगाह भी कर रहे हैं, हम ऐसा कर सकते हैं, इसलिए आप जो है ना अपने बड़े नेताओं को जाकर कह दो इस प्रकार की आशंकाएं हैं, पूर्ण आशंकाएं हैं, इसलिए आप बाड़ा जो है ना बड़ा कर लो, ज्यादा कांटेदार कर लो, जाने के बाद निकलने मत दो, ये आपको बनानी पड़ेगी। और जहां तक दूसरी बात है कि साहब निर्दलियों को देखिए, वहां की जो मैंने फिर आपसे कह रहा हूं वहां की सोशियोलॉजी आप नहीं समझते, वो ये कह रहे हैं कि हम और हम बनेंगे और कांग्रेस अगर उसके लिए समझौता करती है वो तो गलत नहीं मानता। देखो खंडेला जी, ये तो कांग्रेस तो गरीब पार्टी है, इसके पास ने जनता की सेवा करना तो इनके हाथ में है, पैसा धन बल ये सब आज के दिन केंद्र की सरकार बीजेपी की है। सुरेश जी, सुरेश जी, सुरेश जी, क्या वाकई में आप कांग्रेस को गरीब पार्टी कहेंगे?
वाकई में नहीं, कांग्रेस गरीबों की पार्टी है, गरीबों पार्टी तो गरीबों की सोचने वाली नहीं, नहीं, गरीब दोनों हित में है, दोनों चीजों में अंतर है, विचारधारा को साथ लेकर चलती है। सुरेश जी दोनों चीजों में अंतर है, गरीबों की पार्टी है या गरीब पार्टी है, गरीबों की विचारधारा गरीबों के साथ, गरीब पार्टी सोचने वाली, मजदूरों की सोचने वाली, किसानों की सोचने वाली यहाँ पर, क्योंकि सुरेश जी भी मानते हैं कि कांग्रेस गरीब पार्टी नहीं है, और जब पार्टी गरीब नहीं है तो बाड़ेबंदी में कसर यहाँ भी नहीं छोड़ी जाएगी। देखिए मैं आपको एक फैक्ट, मुझे नहीं बोलना चाहिए लेकिन चौधरी साहब मुझे आपने मजबूर कर दिया, जब राहुल जी यहाँ जयपुर में आए थे तो चार होर्डिंग लगाने के लिए लाख लाख रुपए लिए थे, अब बताइए चार होर्डिंग के लाख लाख रुपए, और देने के बाद वो तो मान रहे हैं कि गरीबों की पार्टी है, गरीब पार्टी नहीं है। नहीं मैं यही तो कह रहा हूँ कि धनिकों की पार्टी है लेकिन गरीब की बात करती है, पैसे की कोई कमी नहीं है, लेकिन सवाल या मैनेजमेंट की कमी है, दबंगई की कमी है, प्रबंध करने वालों की कमी है, देखो आश्वासन देने की कमी है, यानी आप किस बात का आश्वासन देंगे, कोई आपकी तरफ क्यों आए, ज्यादा अगर आप पार्टी चलिए चलिए खंडेला जी एक और आंकड़ा मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ, जरा बताइएगा क्या होगा यहाँ पर। मैं उन सीटों को उठा रहा हूँ जहां पर निर्दलियों के बिना कुछ हो नहीं सकता है, अनूपगढ़ सीट है 25, यहां पर वार्ड है, बीजेपी यहां पर 5 पर है, कांग्रेस यहां 8 पर है, अन्य यहां पर 12 है, 12 है। तो देखिए अब ये साहू जी बार बार ये कह रहे हैं निर्दलियों की पार्टी कोई पार्टी नहीं होती, अरे पार्टी पार्टी नहीं, ये पार्ट होता है जिसके नीचे आप दब गए, अब फिर भी आप कह रहे हैं उनका कोई महत्व नहीं है, अगर इस प्रकार से तिरस्कार की भाषा जो है ना वो लोकतंत्र में नहीं चलती। सवाल यार वो देखिए वो अपनी स्थानीय पार्टी आज वो निर्दलीय है और कल अपनी स्थानीय पार्टी बना लेंगे फला विकास पार्टी, अब आप क्या करेंगे, पार्टी नहीं है क्या वो, और जहां तक जो पार्टियां हैं वो पार्टियां हैं, वो दलदल नहीं है क्या, जिस तरह से गुलाम बना के रखने का कार्यकर्ताओं को पार्षदों को नकेल तस्वीर को और साफ करना चाहूंगा, मैं अपनी टीम को कहना चाहूंगा कि जरा ये आंकड़ा जुटाया जाए कि जिन 6 परिषदों की हम बात कर रहे हैं आखिर वहां पर किस पार्टी को कितने वार्ड मिले हैं, ताकि हम अपने दर्शकों को भी समझा सके कि वहां पर कौन बोर्ड बनाने की पोजीशन में और निर्दलियों का वहां पर कितना कब्जा है, क्योंकि जब तक वो आंकड़ा नहीं आएगा शायद सुरेश जी या हमारे साथ जो शिवचरण जी जुड़े हुए हैं वो ये बताएंगे नहीं कि आखिर किस तरीके से बोर्ड वहां पर बनता हुआ नजर आएगा। लेकिन पालिकाओं का जो ताजा आंकड़ा इस वक्त मिल रहा है उसमें 53 का आंकड़ा हमारे पास पहुंच चुका है, जिनमें से 31 के ऊपर बीजेपी है, 22 के ऊपर कांग्रेस बीजेपी से ज्यादा स्ट्रांग है, अब बोर्ड कितने पर बनेगा यह खंडेला जी की भाषा में समझा जा सकता है कि कटीले तार कितने होंगे, बाड़ा ऊंचा कितना होगा, आप उनकी देखरेख कितनी करेंगे, उसके हिसाब से कांग्रेस के बोर्ड इसमें से बन जाएंगे। निर्दलीय 7 है, यानी कि 7 ऐसी जगह है जहां पर निर्दलियों के बिना कुछ होगा नहीं, वो कौन कौन सी जगह है वो भी मैं आपको बताता हूं। राजगढ़ एक ऐसी जगह है जहां पर 20 में से 13 अन्य यहां पर जीतकर आए हैं, इसके अलावा भिंडर यहां 20 में से 17 अन्य जीतकर आए हैं और यहां पर निर्दलियों का बोर्ड पक्का है। इसके अलावा बात अगर की जाए तो अनूपगढ़ के अंदर अन्य 12 पर हैं 25 में से, और इसके अलावा जो मैंने आपको तस्वीर इससे पहले दी थी उस पर भी अगर नजर डाली जाए तो रायसिंह नगर, अनूपगढ़, ये वो जगह है जहां पर निर्दलियों की संख्या जो है वो बहुमत के आंकड़े से ज्यादा है। खंडेला जी समाचार प्लस के सर्वे के साथ आप बने हुए, तो उस दौरान हमने भी आपको दिखाया था कि किस तरीके से 6 से 7 जगह पर निर्दलियों का बोर्ड बनता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन सवाल मेरा आपसे जरा इसे हटकर है, सपोर्ट कौन सी पार्टी करेगी? देखिए मैं ये कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी तो करेगी करेगी, उसमें कोई बात ही नहीं है, क्योंकि उसके पास बात के लिए कुछ नहीं है। नहीं हाँ इसलिए क्योंकि वो नहीं, उसके पास में एक ही लक्ष्य है कि बीजेपी कितने कम में बोर्ड बना सकी, यही उनकी जीत है और होनी भी चाहिए। मैं कह रहा हूँ राजनीतिक दृष्टिकोण से, लेकिन मैं बात दूसरी कर रहा हूँ, ये जो आप जो बहुमत बता रहे हैं ना, मैं ये कह रहा हूँ कि वहां की सोशियोलॉजी को अगर आप समझेंगे तो वहां पे चेयरमैन खड़ा होता है, ये कहता है ये तो चेयरमैन साहब खड़े हो गए, अब वो कहता है साहब आप जैसे चाहो जहां चाहो जितना चाहो जो कुछ चाहो ले जाओ और पार्षदों को ले आओ, और वो लेकर आएंगे। वो बात मैं कह रहा हूं जितनी धनपति बीजेपी है उससे कम धनपति इस तरह के चेयरमैन जो स्वयंभू चेयरमैन बन जाते हैं पहले से और बनते हैं वो भी नहीं है, ये भी ध्यान रखना चाहिए। और कांग्रेस पार्टी को बात मैं कह रहा हूं ज्यादा बार्गेनिंग नहीं करे, वो ज्यादा बार्गेनिंग करेगी। ताजा आंकड़ा यहां पर आ गया है 34 के ऊपर बीजेपी यहां पर नजर आ रही है, 34 के ऊपर बीजेपी नजर आ रही है, और इस दौरान आपको आंकड़ा हम दिखा रहे हैं परिषद का आंकड़ा, जरा देखिए हमारी स्क्रीन पर इस वक्त आपको दिख रहा होगा, बीजेपी 2 जगह पर, कांग्रेस 4 जगह पर, 34, 18 और 8,
निर्दलियों की संख्या और ज्यादा बढ़ गई है। यहां पर 34, 18 और 8 बीजेपी आगे की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस का आंकड़ा सुरेश जी अगर लगाया जाए तो 34 तो ऐसी जगह है जहां पर कांग्रेस बीजेपी से ज्यादा स्ट्रोंग है, लेकिन आंकड़े मैंने आपको दिखाए कि वो स्ट्रोंग के बीच में अन्य किस तरीके से फंसे हुए हैं। बोर्डों की अगर बात की जाए तो लगभग लगभग कहा जा सकता है कि आधे पालिकाओं का परिणाम आ चुका है। आपको क्या लगता है कांग्रेस का आंकड़ा कहां तक जाएगा? नहीं बिल्कुल, मैं सोलंकी जी आपको बता दूं कि हमारा जो एक पहले 46 में जब था उस आंकड़े से ऊपर जाएंगे हम, नीचे नहीं रहेंगे जी। और जनता ने ये जो परिणाम आ रहे हैं इससे साफ नजर आ रहा है कि बीजेपी का विश्वास, जनता में बीजेपी का विश्वास कम हुआ है, सत्ता का विश्वास कम हुआ है। चाहे निर्दलीय और कांग्रेस दोनों मिला के देखे, सत्ता के खिलाफ वोट पड़ा है तो सत्ता के खिलाफ वोट पड़ा है। तो मैं ये नहीं कह रहा, मैंने पहले भी कहा है कि कांग्रेस के पक्ष में पड़ा है, मैं आज भी नहीं मान रहा, लेकिन सरकार के खिलाफ। ये तो आप मानेंगे ना कि सचिन पायलट ने पूरी 129 निकायों को कवर करने की कोशिश की, हर जगह जाकर दौरा किया। खुद राहुल गांधी भी निकाय चुनाव से पहले यहां पर आते हैं जोश भरने के लिए। अगर उसके बाद भी कांग्रेस के अंदर जोश नजर नहीं आएगा, कांग्रेस के जरिए जनता में जोश नहीं भरा जाएगा, तो कम से कम इसको तो आप कांग्रेस का फेलियर कहेंगे। नहीं नहीं सोलंकी जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारे केवल 24 विधायक, एक भी सांसद नहीं केंद्र में, राजस्थान में हमारी सरकार नहीं। उसके बाद में भी हमारे युवा अध्यक्ष सचिन पायलट जी ने पूरे राजस्थान में दौरा किया, पूरे राजस्थान में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को जागरूक किया, उनमें नया जोश भरा। उन्हीं का परिणाम है कि हम ऊपर जीत की ओर बढ़ रहे हैं। क्या आप ये कहना चाहते हैं कि कांग्रेस के प्रदेश के अंदर 48 साल के राज के ऊपर 48 महीने भी नहीं हुए अभी चुनाव को, 18 महीने अभी हुए हैं, उसने सब कुछ बदल दिया? नहीं नहीं, कभी भी देखो ये जो चुनाव होते हैं, लोकल बॉडी के कोई भी चुनाव होते हैं, जो जिस पार्टी की सत्ता होती है उसका प्रभाव होता है। आज पार्षद को कोई भी बजट लेना है, पार्षद को कोई भी काम करना है, प्रभाव नजर क्यों नहीं आया? नहीं किसका 2010 में प्रभाव नजर आया, क्योंकि शहरों में वोट हमेशा बीजेपी का वोट ज्यादा हुआ करता था। यही 2010 के परिणामों ने बदला है। और मैं सबसे बड़ी बात बताऊं कि डायरेक्ट हमने चुनाव करवाए, आज बीजेपी को पता था ये डायरेक्ट अगर चुनाव होते तो ये परिणाम दूसरे होते। बीजेपी को पता था कि डायरेक्ट चुनाव कराएंगे तो अपन हारेंगे, इसीलिए डायरेक्ट चुनाव नहीं हुए हैं, पार्षदों के द्वारा चुनाव हो रहे हैं। और पार्षदों के चुनाव द्वारा चुनाव होंगे तो साहू जी की बात आप सुन ही रहे हो, यानी खंडेला जी हमारा वोट बनेगा। यहाँ पर तो सीधा सीधा खंडेला जी, यहाँ पर तो सीधा सीधा जनता को डिवाइड कर दिया गया है। कांग्रेस कहती है खुद वो गरीबों की सरकार है, वो कहती है बीजेपी जो अमीरों की सरकार है, यानी कि अमीर और गरीब तबके के जो लोग हैं वो पहले से डिसाइड कर ले कि भाई मुझे कांग्रेस के साथ जाना है, मुझे बीजेपी के पास जाना है, उस हिसाब से तो आंकड़ा बदलना ही नहीं चाहिए। देखिए मैं समझ रहा हूँ चौधरी साहब प्रवक्ता भी है, ऐसा जो है ना वक्तव्य नहीं दे, इससे ऐसा आभास लग रहा है कि हम सत्ता में थे इसलिए हम लेकर आ गए, जनता हमारे साथ में नहीं थी, ये आप मत कहिए। कम से कम सवाल यार उस समय ऐसा था, इस समय ऐसा है, कोई बात नहीं है। लेकिन मैं आपको दूसरी बात कहना चाह रहा हूँ, सवाल है कि कांग्रेस जो है आज भी जो निर्दलीय है वो इधर क्यों आएंगे, आप मुझे बताइए। अच्छा आप संगठन में स्थान देने के अलावा क्या कर सकते हैं? और एक बात, 3.25 साल तक तो नामो निशान नहीं है, न तो इलेक्शन नहीं है, न कोई काम नहीं है। अब सवाल है कि जो कुछ है वो केवल सत्ता पक्ष की ओर है, चाहे अपमानित होकर मिले, चाहे सम्मानित होकर मिले, या सहज मिले या असहज मिले, सुविधा से मिले, बिना सुविधा के मिले, नेताओं की चमचागिरी से मिले, बिना चमचागिरी से, लेकिन मिलना तो वही। और राजनीति का केवल लक्ष्य और परम लक्ष्य आज प्रतिफल प्राप्त करना है, सेवा करना बिल्कुल नहीं है। इसलिए मैं समझ रहा हूँ कि फिर बात देखिए, मैं निष्पक्ष आदमी हूँ, मैं ये कहना चाहूंगा कि जब तक प्रतिपक्ष कमजोर है, लोकतंत्र कमजोर है, ये मेरी मूल धारणा है। इसलिए मैं चौधरी साहब से ये कहना चाह रहा हूँ, चौधरी साहब आप ये कहना चाह रहे हैं कि कांग्रेस कमजोर है? कमजोर है, बिल्कुल कमजोर है, क्योंकि देखिए संगठन के रूप में बिल्कुल कमजोर है, समन्वय के रूप में खंडेला जी, मैं आपको बस 2 मिनट के लिए रोकना चाहूंगा। ताजा आंकड़ा मेरे पास आ गया, जरा दर्शकों को वो मैं बता देता हूं कि 66 निकायों का परिणाम मेरे पास आ चुका है। मैं निकायों से यहां सिर्फ पालिकाओं को काउंट कर रहा हूं, उनमें से 39 के अंदर बीजेपी कांग्रेस से ज्यादा स्ट्रांग है, जाहिर है बोर्ड वो बना सकती है। 19 के अंदर कांग्रेस बीजेपी से ज्यादा स्ट्रांग है, बोर्ड कितने पर बनेगा?
खंडेला जी के मुताबिक वो हम आपको बता चुके हैं वो किस तरीके से पॉसिबल है। 8 ऐसी जगहें जहां पर निर्दलीय दोनों पार्टियों से ज्यादा पावरफुल हैं, या कहें कि बहुमत के आंकड़े की तरफ है। परिषद की अगर बात की जाए तो 7 परिषद का भी मेरे पास आंकड़ा आ चुका है, जिनमें से 3 जगहों पर बीजेपी कांग्रेस से ज्यादा स्ट्रांग है, जाहिर है बोर्ड यहां पर बनेगा। लेकिन 4 ऐसी परिषद हैं जहां पर कांग्रेस बीजेपी से ज्यादा स्ट्रांग है। अब सवाल इस बीच यह खड़ा होता है कि जो निर्दलीय हैं, क्या वो कम बहुमत की वजह से या कम बहुमत के बावजूद बीजेपी का रुख करते हैं और बीजेपी के साथ फिर सत्ता सुख भोगते हैं? यह तस्वीर वाकई में दिलचस्प होगी। शिवचरण जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। दोनों आंकड़े मैंने आपको दिए हैं, तस्वीर आपको क्या कुछ लग रही है? 7 परिषद जो मैंने अभी दिखाई, 3 में बीजेपी स्ट्रांग पोजिशन में है और 4 के अंदर कांग्रेस बीजेपी से ज्यादा स्ट्रांग है। आपको क्या लगता है इन 7 परिषद के अंदर बीजेपी के बोर्ड कितनी जगह बन सकते हैं? देखिए, यह तो सब पुराना परिणाम आने के बाद की बात है। प्राइमा फेस ये है कि परिषदों के परिणामों में भी बीजेपी ही ज्यादा परिषदें बनाएगी, इसमें कहीं शंका नहीं है। हमारे पास जो कार्यकर्ताओं का फीडबैक है उससे भी साफ जाहिर होता है। और फिर जो पार्षद जीत किया वो तय करते हैं। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ, एक मिनट, एक उदाहरण देना चाहता हूँ मैं। बार बार सुरेश जी कहते हैं कि ऐसा निर्दलीय से हो जाएगा, कांग्रेस तो एक दूसरे को मारने का काम करेगी। पिछले इनके कांग्रेस के शासनकाल में भी नागौर से 27 जो है जिला परिषद सदस्य होने के बावजूद भी इनका जो उम्मीदवार कांग्रेस उम्मीदवार था वो 3-4 वोटों में सिमट के रह गया था। सामने जो है दूसरे दल ने जो है वहां जिला प्रमुख बनाया था। तो ऐसी सारी स्थिति है, वो जीत के आएंगे वो तय करेंगे। इसलिए मैं कहना चाह रहा हूँ राज्य में निर्दलीय जो है वो अपना निर्णय तय करेंगे। क्षेत्र का विकास कहा होना है, अगर क्षेत्र का विकास भारतीय जनता पार्टी में होता नजर आएगा। कोई भारतीय जनता पार्टी है कि निर्दलीय अपना फैसला खुद करेंगे, लेकिन फैसले तक पहुंचाने के लिए बीजेपी क्या क्या करेगी उनके साथ? बीजेपी फैसले तो पहुंचाने के लिए कुछ भी नहीं करेगी। बीजेपी के साथ एजेंडा है कि हम पूरे प्रदेश में शहर और गांव में विकास चाहते हैं, जिस क्षेत्र के चलिए विकास के नाम पर बीजेपी आकर्षित करेगी। वजह से कितना विकास वहां पर हुआ है, लेकिन इस वक्त की ताजा अपडेट आपको दे देते हैं कि 66 नगर पालिकाओं की तस्वीर साफ हो चुकी है। इनमें से 39 नगर पालिकाओं के अंदर बीजेपी जीत की तरफ बढ़ रही है। बहुमत का आंकड़ा जहां पर बीजेपी के पास काफी जगह पर है और कहां पर और यह आंकड़ा बढ़कर 67 हो चुका है। 67 में से 39, 9 और 19 यह आंकड़ा यहां पर निकलकर सामने आ रहा है, जो समाचार प्लस के सर्वे में भी निकलकर सामने आया था कि निर्दलियों के बिना इस बार का चुनाव मुमकिन नहीं है और सबसे ज्यादा फायदा निर्दलियों को होगा। यह तस्वीर और इस बात पर तस्दीक ये खबर यहां पर कर रही है कि 67 पालिकाओं में से 39 के अंदर बीजेपी का पलड़ा भारी है, बोर्ड वो बना ले। 19 के अंदर कांग्रेस का पलड़ा भारी है, बोर्ड कितने पर बनाएगी ये तस्वीर साफ अभी तक नहीं है, क्योंकि प्रदेश के अंदर बीजेपी की सरकार है और निर्दलीय चाहेंगे कि वो सत्ता सुख भोगे। इसके अलावा 9 ऐसी जगह है जहां पर निर्दलियों की संख्या बीजेपी और कांग्रेस दोनों से ज्यादा। तो आप समाचार प्लस पर सबसे पहले देख सकते हैं सबसे तेज कवरेज और सबसे तेज आंकड़े समाचार प्लस आपको दे रहा है कि आखिर कहां पर किसका बोर्ड बन रहा है और कहां पर कांग्रेस स्ट्रांग है, कहां पर बीजेपी स्ट्रांग है और कहां पर निर्दलीय दोनों पार्टियों के ऊपर भारी पड़ रही है। जरा नीचे की टैली, नीचे जो हम आपको दिखा रहे हैं वो पालिकाएं हम आपको दिखा रहे हैं कि आखिर कहां पर किसका बोर्ड बन सकता है और कैसे। भादरा की तस्वीर देखिए, भादरा को देखकर अच्छे अच्छे चौंक जाएंगे कि भादरा के अंदर निर्दलीय 30 में से 22 है। इसके अलावा किशनगढ़, यहां पर निर्दलियों के साथ मिलकर बीजेपी आसानी से बोर्ड यहां पर बना लेगी। कुचामन की अगर बात की जाए तो कुचामन के अंदर बीजेपी निर्दलियों के साथ मिलकर बोर्ड बना लेगी। यहां पर आप तस्वीर देखिए,
यहाँ पर निर्दलीय जो चाहेंगे वही बाकी पार्टियों को करना पड़ेगा। बीजेपी को नतमस्तक होना पड़ेगा और कांग्रेस को भी निर्दलियों का सहारा लेना पड़ेगा। तो 67 पालिकाओं का परिणाम हम आपको दिखा चुके हैं। इस वक्त एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। नगर परिषदों में दिलचस्प तस्वीर निकलकर सामने आई है। 4 नगर परिषदों में कांग्रेस बीजेपी से ज्यादा भारी नजर आ रही है और 3 नगर परिषदों में बीजेपी कांग्रेस से ज्यादा भारी है। 15 नगर परिषदों की तस्वीर धीरे धीरे साफ होती हुई नजर यहां पर आ रही है। तो 3 के अंदर जो यहां पर तस्वीर अभी तक निकलकर सामने आ रही है उसके मुताबिक परिषद काफी ज्यादा चौंकाएंगी। 4 नगर परिषद के अंदर कांग्रेस जो है वो बीजेपी से ज्यादा भारी है और 3 नगर परिषद में बीजेपी का कब्जा यहां पर नजर आ रहा है। चलिए एक बार फिर से जयपुर का रुख करते हैं। हमारे साथ गेस्ट हमारे साथ जुड़े हुए लेकिन इस दौरान सुरेश चौधरी जी हमारे साथ से हट गए हैं और उनकी जगह रामनारायण मीणा जी कांग्रेस की तरफ से यहां पर आए हैं। रामनारायण जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा क्योंकि अभी अभी आप जुड़े हैं और ताजा अपडेट मैं आपको दे दूं कि इस दौरान 67 जो है पालिकाओं का परिणाम अभी तक आया है। 39 जगह पर बीजेपी भारी है, 19 जगह पर कांग्रेस भारी है और 9 ऐसी जगह हैं जहां पर निर्दलीय बीजेपी और कांग्रेस दोनों पर भारी हैं। परिषद की अगर बात की जाए तो 4 ऐसी परिषद है जहां पर कांग्रेस बीजेपी पर भारी पड़ रही है और 3 ऐसी परिषद है जहां पर बीजेपी मैंडेट की तरफ बढ़ रही है, यानी कि परिषद में कब्जा जमा लेगी। अजमेर एक नगर निगम है जहां पर बीजेपी अपना बोर्ड बना चुकी है क्योंकि 60 में से 31 वार्डों के अंदर बीजेपी जीत चुकी है। अब सवाल मेरा आपसे यह है कि क्या कांग्रेस जिस तरीके का परफॉर्म यहां पर कर रही है, क्या आपको लगता है कि कांग्रेस उसके साथ ये कहेगी कि कांग्रेस संतुष्ट है? देखिए सोलंकी जी, प्रश्न ये है कि चुनाव जिन परिस्थितियों में हो रहे हैं वो परिस्थितियां क्या है, सरकार किस पार्टी की है ये भी देखना पड़ेगा। फिर भी कुल मिलाकर के रिजल्ट से वो पिछले रिजल्ट के बराबर आने की संभावना नजर आ रही है सरकार होते हुए भी जी। ये सही है, कहीं शिकायत नहीं की होगी, लेकिन यानी कि रामनारायण जी आप कहना चाहते हैं कि 46 से 48 बोर्ड जो है वो बीजेपी के होंगे, माफ कीजिएगा कांग्रेस के होंगे? नहीं, वो तो पहले से बढ़ सकती है, कांग्रेस में कोई दो राय नहीं है। यानी कि 40 से ज्यादा बोर्डों पर कांग्रेस का कब्जा होगा, आप ये कहना चाहते हैं? ऐसा बिल्कुल, ये तो निश्चित तौर पर है। 129 है अभी तो, 60 के रिजल्ट है। जो भी परिस्थितियां बन रही है उनमें जो रिजल्ट है वो ऐसा लग रहा है पिछले रिजल्ट से मिलते जुलते रिजल्ट आ रहे हैं। ये कोई असंतोष की बात नहीं है, सरकार का नगर निकाय में इसमें स्थानीय निकाय में वो पंचायत हो या नगर पालिका हो जो शासन में रहता है उसका दबदबा रहता है। चलिए खंडेला जी मैं आपसे रिएक्शन यहाँ पर चाहूंगा क्योंकि यहाँ पर बीजेपी से जो शिवचरण जी वो कहते हैं 100+ होगा। अभी रामनारायण जी हमारे साथ जुड़े हैं, वो कहते हैं पिछला आंकड़ा टूट जाएगा यानी कि 50 से ऊपर होगा। दोनों की मान ली जाए तो यानी कि 129 निकायों में चुनाव नहीं, चुनाव 150 से ज्यादा में है। क्या यह कहा जाए कि टीवी स्क्रीन के सामने दोनों ही पार्टियां जमीनी हकीकत को मानने से मना कर रही हैं? देखिए एक बात मैं आप कह रहा हूं, अभी आपने कहा कि साहब कांग्रेस इतने में भारी है। देखिए भारी होने से कुछ नहीं होगा, भरपूर होने से होगा जी। अगर वो भरपूर यानी 50%+1 होगी तभी आप मान के चलिए कि बोर्ड बनेगा, नहीं तो भारी होने से कुछ नहीं, क्योंकि अगला सामने वाला अति भारी है और वो किस तरह से भारी मैंने बार बार बता दिया, मैं रिपीट नहीं करूंगा। इसलिए खंडेला जी आपसे सवाल मैंने ये कहा कि दोनों जो हमारे साथ कांग्रेस के और बीजेपी के नेता बैठे हुए हैं क्या वो टीवी स्क्रीन पर जमीनी हकीकत को मानने से मना कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल करेंगे वो तो, खैर ये उनका, देखिए आखिर क्या हो गया कि ये एक तरह से निश्चल भाव से और निष्पक्ष भाव से पार्टी में अगर कोई बोल गया तो उसको बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा जी। यहाँ तो कह के आते हैं कि आपको समर्थन के अलावा कुछ नहीं करना, यानी वस्तुनिष्ठता बिल्कुल गायब है और व्यक्तिनिष्ठता और व्यक्ति पूजा वो सबसे ज्यादा हावी है। यानी कि लोकतंत्र के अंदर, लोकतांत्रिक पार्टियों के अंदर हंटर राज है।
नहीं लोकतंत्र पार्टी मत कहिए आप, लोकतंत्र में पार्टी कहिए, लोकतांत्रिक पार्टी तो एक भी नहीं है। आरटीआई को नहीं मानेंगे, जब चाहेंगे जब अध्यक्ष को हटा देंगे, चुनाव करवाएंगे नहीं, करवाएंगे तथागत रूप से चुनाव करवाए। सबसे घनघोर लोकतंत्र है वो पॉलिटिकल पार्टी में, तो लोकतंत्र में दल है, लोकतांत्रिक दल नहीं है, इसलिए लोकतंत्र का तो प्रश्न नहीं है। ये पूरी तरह से पार्टियां सामंतशाही पर आधारित है जी, और सामंतशाही यह है कि अगर आप जीत कर आ गए तो जो हम कह रहे हैं उधर की तरफ देखिए, उधर की तरफ झुकिए, उसको वोट दीजिए, और वोट देने के बाद में कुछ मत मांगिए हमसे। चलिए हम भी उधर की तरफ झुक जाते हैं, शिवचरण जी का रुख यहां पर कर लेते हैं। शिवचरण जी, रामनारायण जी यहां पर कह रहे हैं कि 50 से ज्यादा वोट जो है वो कांग्रेस के होंगे, जाहिर है ऐसा मुमकिन अभी तक के जो आंकड़े उससे नजर नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी बीजेपी कितने वोट पर कब्जा करेगी, और आपके हिसाब से कांग्रेस का अगर आंकलन किया जाए तो कितने बोर्डों के अंदर कांग्रेस को समेटने की कोशिश बीजेपी करती नजर आएगी शाम दाम के साथ? देखिए, शाम दाम दंड की बात जो है ऐसा कोई पार्टियों में कोई संभव नहीं है, प्रजातांत्रिक सिस्टम में चलिए तो प्रजातांत्रिक सिस्टम में मतदाताओं का निर्णय ही सर्वोपरि रहता है, जो पार्षद आएंगे वो ही बोर्ड तय करेंगे। लेकिन जैसा रुझान आ रहा है, इस रुझान से साफ नजर आ रहा है कि बीजेपी जो है 100+ को छुएगी और ऊपर बढ़ जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। मैं एक बात बार बार कहना चाह रहा हूं कि जितने निर्दलीय आप दिखा रहे हैं उतने निर्दलियों का बोर्ड कभी नहीं बनता है। निर्दलीय तो वो मेंढक हैं जो निर्दलीय वो मेंढक हैं जो एक तराजू में कभी नहीं तुलते हैं। तो ये सारे मेंढक कूदेंगे और कूदेंगे तो निश्चित रूप से वो जहां उनके मतदाताओं का दबाव है उधर जाएंगे। मतदाताओं को चाहिए विकास, विकास आज भारतीय जनता पार्टी दे सकती है, वसुंधरा जैसा चाहे नेतृत्व दे सकता है। आप इसलिए हम दावा करते हैं कि हमारा देश मतलब यहाँ पर वो है जो बीजेपी और कांग्रेस दोनों पर भारी है। हमने ये नहीं कहा कि यहाँ पर बोर्ड निर्दलियों का बनेगा, जाहिर है उनको जिधर फायदा होगा, जिधर उनको सभापति मिलेगा, जिधर उनको उपसभापति मिलेगा, जिधर उनको शाम दाम मिलेगा, वो उस पार्टी के हो जाएंगे और वहां पर उस पार्टी का बोर्ड बनेगा। लेकिन वो जनता का मैंडेट नहीं है। अगर आप उसको बीजेपी का मैंडेट कहेंगे, अगर आप उसको कांग्रेस का मैंडेट कहेंगे, तो शायद ये जनता के साथ नाइंसाफी होगी, क्योंकि मैंडेट वहां पर निर्दलियों का है। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं, लेकिन आप हमारे साथ बने रहिए, अपनी भूमिका निभाते हुए नजर आ रहे हैं। इस दौरान स्टूडियो में हमारे साथ शिवचरण जी है, सुरेश मीणा जी है, मानचंद खंडेला जी है, लेकिन उससे पहले इस वक्त की ताजा अपडेट हम आपको करते हैं। 70 नगर पालिकाओं का रिजल्ट अभी तक आ चुका है, जिनमें से 40 पर बीजेपी स्ट्रांग है, 21 के ऊपर कांग्रेस स्ट्रांग है, और अन्य की अगर बात की जाए तो अन्य के खाते में 9 यहां पर है, यानी कि 9 ऐसी पालिकाएं 70 में से है जहां पर जिस पार्टी से उनको ज्यादा मिलेगा या जिस पार्टी की विचारधारा या फिर फायदा जिधर से होगा उधर वो होंगे, और उसके बाद वो अपने खाते में पार्टियां जोड़ती हुई नजर आएंगी। लेकिन सच्चाई यह है कि ये 9 वो पालिकाएं हैं जहां पर जनता ने दोनों पार्टियों को नकारा है, दोनों पार्टियों को बहुमत नहीं दिया है, और यहां पर बहुमत का आंकड़ा निर्दलियों के पास है, या कहें कि ज्यादा स्ट्रॉन्ग निर्दलीय है। बीजेपी और कांग्रेस से ज्यादा वार्डों पर कब्जा जहां पर निर्दलियों ने किया है वो संख्या 9, और इसके अलावा कांग्रेस जहां बीजेपी पर भारी है ये संख्या 21, और जहां पर बीजेपी कांग्रेस पर भारी है ये संख्या 40 है। शिवचरण जी, आपका रुख मैं यहां पर करना चाहूंगा, क्योंकि आपने यहां पर यह कहा कि निर्दलियों की कोई विचारधारा नहीं होती है, चलिए हम भी मान लेते हैं, लेकिन क्या वाकई में जिस जनता ने निर्दलियों को कांग्रेस और बीजेपी से ज्यादा बहुमत दिया है, क्या वो अगर बीजेपी के साथ मिलते हैं तो क्या यह कहा जाए कि वहां पर बीजेपी का बोर्ड रहा और जनता ने बीजेपी का साथ दिया? निश्चित रूप से अगर निर्दलीय से अगर बोर्ड बीजेपी का बनता है तो बोर्ड तो बीजेपी का ही कहलाएगा, बीजेपी के अनुसार ही उस बोर्ड का कार्य प्रणाली होगी, और जो निर्दलीय पार्षद है वो भी जब भी आएगा जब उस पर दबाव होगा। बीजेपी को मैंडेट मिला है, हाँ बोर्ड के अंदर बीजेपी को मैंडेट, मैं पहले कह चुका हूँ, बीजेपी विचारधारा के कुछ लोग जो हैं निर्दलीय खड़े हो जाते हैं और वो पार्टी का जो टिकट का प्रत्याशी है उसको हराने में सफल हो जाते हैं, लेकिन अंतों को तो वो विचारधारा बीजेपी से जुड़ा है, लोग वास्तव में बीजेपी से जुड़ते हैं, बीजेपी का वोट चलाएगा। खंडेला जी, क्या कह दिया जाए कि प्रदेश के अंदर राजनीति की यही असल तस्वीर है, जनता जिनको नकारती है वो बोर्ड भी बनाएंगे और कहेंगे कि भारी मैंडेट उनका है।
देखिए मैं कह रहा हूँ साहू जी को ये पता होगा जो जीतने वाले हैं वो बीजेपी की ऐसी तैसी कर और कांग्रेस की ऐसी तैसी कर और उसके बाद में जीते हैं। देखिए अब दूसरी बात, साहू जी ने ये कहा कि वो तो विचारधारा के, अरे उनको आपने मेंढक बताया, अरे ऐसे 80 मेंढक पार्टियों से लेकर लोकसभा में आपने कुदवाए थे और उनको आप मेंढक कह रहे हैं। अगर उनको जीतने वालों को आप मेंढक कह रहे हैं तो मैं समझता हूं कि आपसे इससे ज्यादा अपमान लोकतंत्र का नहीं हो सकता है। और जो सुन रहे हैं इंडिपेंडेंट पार्षद वो भी ध्यान रखें इनकी हैसियत बीजेपी में क्या होगी। अगर इसका समर्थन कर रहे हैं तो वो लोकतंत्र का अपमान कर रहे हैं और वासे में जो सामंतशाही लोग हैं उनको आपसे समर्थन दे रहे हैं। लेकिन खंडेला जी, मजबूरी तो उनके लिए भी ये सामने होगी ना कि अगर मानो बीजेपी को इस वक्त समर्थन नहीं देते हैं या फिर वो सत्ता के साथ नहीं जाते हैं तो शायद फिर उनके वजह से जनता ये सुनती रहेगी 3.5 साल तक कि प्रदेश के अंदर उनकी सरकार नहीं है, सहायता मिल नहीं रही है, काम किया कैसे जाए। तो शायद चुनने के बाद भी अक्सर ये देखा जाता है कि जिसकी सरकार होती है उसकी तरफ रुझान नजर आता है। मैंने बारंबार आपसे ये कहा कि बीजेपी का पलड़ा इसीलिए भारी होगा क्योंकि जीतने वाला हमेशा सत्ता पक्ष की ओर जाता है। बिल्कुल ठीक बात, लेकिन इस तरह के शब्दों का उपयोग कम से कम वो नहीं करें। और मैं एक बात दूसरी कह रहा हूं, अगर जो जीतने वाले हैं उनका परम लक्ष्य जो अगर जनसेवा है तो छोटा या मोटा, इधर या उधर, कुछ ना हल्का या भारी अगर करना पड़ रहा है मैं उसको बुरा भी नहीं मानता। लेकिन सवाल यह रहा कि आपका ध्येय क्या है, ध्येय आपको प्रतिफल लेना है या जनता से पुरस्कार लेना है। सवाल अगर पुरस्कार लेना है तो कोई बात नहीं है, लेकिन प्रतिफल लेना है तो मैं समझता हूं वो दिखाने लायक है। चलिए सुरेश जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा, क्या कांग्रेस भी इस बात के साथ इत्तफाक रखती है कि अगर निर्दलियों को मिलाना पड़ा, चाहे वो बीजेपी का बागी है, चाहे वो कांग्रेस का बागी है, चाहे वो बीएसपी का है या कम्युनिस्ट पार्टी का है, वो किसी का भी बागी है और किसी का भी वो पार्षद है, अगर बोर्ड बनाने के लिए उसकी जरूरत होगी तो विचारधारा एक साइड होगी, वो उसके साथ आएगा, बोर्ड बनेगा और फिर कहा जाएगा कि कांग्रेस का बोर्ड है। सुरेश जी सवाल आपसे। कोई बात नहीं विजयन जी, साफ बात है, मैं स्पष्ट बात करता हूं, मैं किसी पार्टी के बंदिश की बात नहीं करता। जो निर्दलीय किसी पार्टी से अलग होकर के जीतता है इसका मतलब उस पार्टी में टिकट वितरण सही नहीं हुआ है, व्यक्तिवाद के आधार पर टिकट दिया है। मैं निर्दलीयों का सम्मान करता हूं। इन परिस्थितियों में जब दोनों पार्टी भारी है वहां निर्दलीय जीत के आ रहे हैं। यानी कि आप ये भी मानेंगे कि अगर कांग्रेस में भी निर्दलीय जो निकले हैं उनका सम्मान, मैं कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सोलंकी साहब मैं कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूं, कांग्रेस प्रजातांत्रिक पार्टी कहने को कुछ भी हो, आज बड़े बड़े मंत्री बोल नहीं पा रहे दिल्ली में जो उनकी औकात बता रखी है, इसलिए लोकतांत्रिक पार्टी कौन सी है, व्यक्तिवादी पार्टी कौन सी, उसको छोड़िए। नागपुर से जो मैसेज चलता है जिस आदमी को दुनिया की सीमा की रक्षा करने की बात करता है उसको जेड प्लस दिया जा रहा है। ये मैं सेकंड के अंदर कॉमन केवल एक बार फिर से बीजेपी की माफ कीजिएगा कांग्रेस के प्रवक्ता यहां पर बन गए, आपने कॉमन मैन के साथ अपनी बात करनी शुरू की और आप अब कांग्रेस को डिफेंड करते हैं। सवाल मेरा ये था कि जब आपने ये कहा कि बीजेपी से जो बागी हुए हैं उनका वहां पर वजूद नहीं रहा, उनकी रिस्पेक्ट नहीं हुई, तो कांग्रेस से भी जो बागी होंगे मतलब इसका यह भी है कि कांग्रेस के अंदर उनको रिस्पेक्ट नहीं मिली, उनको अलग किया गया। इस सवाल के साथ मैं आपके पास लौटूंगा, लेकिन इससे पहले एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। सादुल शहर से बड़ी खबर है, कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए, विजय जुलूस यहां पर निकाला जा रहा था और बीजेपी के कार्यकर्ता विजय जुलूस के दौरान भिड़ गए। तस्वीर यहां पर जो निकल कर आ रही है वो सादुल शहर की है। जहां पर विजय जुलूस के दौरान हंगामा हुआ और हंगामा कुछ ऐसा हुआ कि यहां पर आपस में भिड़ते हुए नजर आए। इस दौरान तस्वीर अभी तक ये निकलकर सामने नहीं आई कि आखिर जो ये भिड़ंत यहां पर हुई है। चलिए राजेंद्र मेरे साथ जुड़ गए हैं, राजेंद्र आपको भी बताएंगे और जरा हमें भी इसे अपडेट करेंगे। राजेंद्र जानना चाहेंगे सादुल शहर में आखिर कांग्रेस और बीजेपी भिड़ क्यों गए? जी इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब ये कार्यकर्ता अपने जीत अपने प्रत्याशी की जीत के खुशी के अंदर विजय जुलूस निकाल रहे थे तो इन दोनों जो समर्थक हैं पार्टियों के वो आपस में भिड़ गए। कांग्रेस के जो समर्थक हैं उन्होंने आरोप लगाए भाजपा कार्यकर्ताओं के ऊपर कि उन्होंने हथियार निकालकर उनके ऊपर उनको डराना चाहा या उनके समर्थकों के ऊपर हथियार निकाले।
तो इसी बात को लेकर उनमें काफी झड़प होगी। और राजेंद्र, क्या झड़प की वजह यह है कि सादुल शहर के अंदर पूर्ण बहुमत किसी को भी नहीं मिला और वो उनको लगता है कि जिसका जुलूस ज्यादा अच्छे से होगा शायद निर्दलीय उधर चले जाएंगे? नहीं, ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन क्या है कि बीजेपी को सिर्फ 20 वार्डों के अंदर सिर्फ 9 ही सीटें आई हैं। और बीजेपी के अंदर भी मैं बताना चाहूंगा कि दो गुट बने हुए हैं, तो बीजेपी को अगर अपना बोर्ड बनाना है तो उसको बहुत बहुत ज्यादा उसके अंदर वो मेहनत करनी पड़ेगी। तो इसी वजह से हो सकता है कि भाजपा के कार्यकर्ता जो है वो काफी निराश है और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के जुलूस निकालने के ऊपर उन्होंने उनके ऊपर हथियार निकालकर वो हवा में लहरा दिए। और चलिए राजेंद्र, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि तानातानी यहाँ पर दिखनी शुरू हो चुकी है और जहां पर भी बहुमत का आंकड़ा नहीं मिल रहा है वहां पर कुछ ऐसा ही होता हुआ हो सकता है नजर आए। तस्वीर सादुल शहर की है जहां पर कुल 20 वार्ड है और उनमें से 9 पर बीजेपी जीती है, 7 के ऊपर कांग्रेस यहां पर जीती है और 4 अन्य है। जाहिर है अन्य के अलावा कुछ होगा नहीं, लेकिन जिस तरीके से राजेंद्र यहां पर बता रहे थे बीजेपी दो गुटों में बंटती हुई यहां पर नजर आ रही है। इस वक्त एक और बड़ी अपडेट यहां पर निकाय किरण से मिल रही है। 71 नगर पालिकाओं की तस्वीर साफ हो चुकी है जिनमें से 41 पालिकाओं में बीजेपी जीत की तरफ बढ़ रही है, 21 के अंदर कांग्रेस यहां पर बढ़ रही है और अन्य अभी भी 9। जानिए वो आंकड़ा है जो हो सकता है परिणाम में तब्दील हो जाए, क्योंकि बीजेपी जहां पर स्ट्रोंग है इसमें कोई दो राय नहीं, मैक्सिमम सीटों के ऊपर मैक्सिमम पालिकाओं के अंदर निकायों के अंदर वो अपना बोर्ड बना ले। लेकिन सवाल यह है कि जो 30 बाकी का आंकड़ा यहां पर आ रहा है, फिर बात चाहे 21 कांग्रेस जहां पर बढ़त बना रही है वहां की हो या फिर वो 9 जगह जहां पर निर्दलियों का दबदबा कांग्रेस और बीजेपी दोनों से भारी है वहां पर क्या कुछ होगा, तस्वीर इसी पर बनेगी। एक और बड़ी अपडेट हम आपको दे देते हैं, नगर परिषद से जुड़ी एक अपडेट है। पालिकाएं अभी हमने आपको दिखाई है 71 पालिकाएं, लेकिन परिषद के अंदर क्या कुछ चल रहा है जरा ये भी देखिए। 4 नगर परिषदों में कांग्रेस अभी भी भारी यहां पर बनी हुई है, 3 के अंदर बीजेपी यहां पर भारी है और 1 नगर परिषद पर निर्दलियों का दबदबा यहां पर नजर आ रहा है। एक नगर परिषद इस बीच ऐसी भी निकलकर सामने आ रही है जहां पर निर्दलियों का दबदबा नजर आ रहा है, वो कौन सी परिषद है यह तस्वीर अभी तक साफ नहीं हो पाई है, लेकिन हम आपको लगातार अपडेट कर रहे हैं कि आखिर कहां पर क्या कुछ चल रहा है। इस बीच शायद यह भी कहना गलत नहीं होगा कि सूबे में बीजेपी एक बड़ी जीत की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही है, चाहे वो निर्दलियों के साथ मिलकर ही क्यों ना हो। जश्न की 6 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, भादरा, बिलाड़ा, शाहपुरा, चौमू, मेड़ता सिटी और चूरू। पहली तस्वीर भारता जो भादरा है वहां पर ढोल नगाड़ों के साथ जश्न यहां पर मनाया जा रहा है। दूसरी तस्वीर बिलाड़ा की है, तीसरी तस्वीर शाहपुरा की है, चौथी तस्वीर चौमू की है जहां पर बाकायदा मालाएं पहनाई जा रही है, पांचवी तस्वीर मेड़ता सिटी की है जहां पर बीजेपी का झंडा कुछ ऐसे लहराया जा रहा है मानो प्रदेश फतह कर दिया, और छठी तस्वीर चूरू की है जहां पर भी जीत और जश्न दोनों नजर आ रहा है। लेकिन सवाल इस बीच ये खड़ा होता है कि अगर बात इन 6 पालिकाओं की जाए, 6 अलग अलग जगहों की जाए, तो आखिर कौन कहां पर भारी है और इस बीच कौन कहां पर बोर्ड बनाने की सिचुएशन में नजर आ रहा है। ये तस्वीरें भी धीरे धीरे अब साफ होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि भादरा के अंदर जो जश्न यहां पर नजर आ रहा है वो अपने आप में कई सवाल यहां पर खड़े कर देता है। लेकिन फिलहाल 6 तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि आखिर कहां पर क्या कुछ चल रहा है और क्या कुछ गुणा भाग यहां पर बनता हुआ नजर आ रहा है। समाचार प्लस सबसे पहले आपको यह जानकारी दे रहा है। इस बीच कहा जा सकता है कि बीजेपी के अच्छे प्रदर्शन पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता भी काफी खुश हैं। ओंकार सिंह लखावत ने क्या कुछ कहा है कुछ देर पहले, उन्होंने कुछ रिएक्शंस दी थी, क्या कुछ थी जरा सुनिए।
देखिए, राजस्थान की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान किया है। हमारे पास अब तक के जो रुझान आए हैं वो सारे के सारे रुझान में से कांग्रेस आधी भी सिमट रही है और भारतीय जनता पार्टी उसे दुगना स्थान प्राप्त करने जा रही है। स्थानीय नगर निगम में एक ही नगर निगम का चुनाव था और उसमें अजमेर के अंदर भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट बहुमत की ओर आगे बढ़ रही है और निश्चित रूप से अब अजमेर राजस्थान में जितने भी नगर निगम हैं उन सब पर भारतीय जनता पार्टी शासित वो नगर निगम होंगे। और इसलिए तो बीजेपी शुरुआती दौर के अंदर कहा जा सकता है कि काफी खुश होगी क्योंकि जो आंकड़ा अभी तक मिला है 71 में से 41 ऐसी पालिकाएं हैं जहां पर बीजेपी बहुमत की तरफ है और शायद लगता नहीं कि बहुमत हासिल करने बोर्ड बनाने में उनको कोई दिक्कत यहां पर आने वाली है। इसके अलावा 21 पर कांग्रेस और 9 पर निर्दलीय बीजेपी पर भारी पड़ते हुए यहां पर नजर आ रहे हैं। रामनारायण जी, मैं आपके साथ डिस्कशन को आगे लेके जाना चाहूंगा क्योंकि आपने कहा था कि आंकड़ा 50 से ऊपर की तरफ जाएगा। अभी तक जो 71 पालिकाओं के अंदर जो समीकरण बन रही हैं, कांग्रेस सिर्फ 21 पर आगे है। बोर्ड सब जगह कांग्रेस का होगा यह कहना मुश्किल है क्योंकि कुछ जगह निर्दलीय डिसाइडिंग फैक्टर है और वहां पर हो सकता है वो बीजेपी के साथ चले जाए। 50 से ज्यादा का आंकड़ा कैसे? देखिए सोलंकी जी, गत विधानसभा चुनाव में 82% विधानसभा की सीट्स बीजेपी को मिली थी। उसके पहले चुनाव हुए थे स्थानीय नगर निकायों के, इसलिए उस दृष्टि से आकर के देखा जाए, विधानसभा की उस दृष्टि से देखा जाए जो कि मेन है उसके मुताबिक कांग्रेस का प्रदर्शन ठीक हो रहा है, नंबर वन। दूसरी बात यह है कि शासकीय दल का, सत्ता का और धनबल का असर हर जगह होता है, हर स्टेट में होता है। यहां भी ये बात सही है कि इसकी तरफ आगे बढ़ते जा रहे हैं, जैसा मैंने कहा है बिल्कुल स्पष्ट है। मैं उदाहरण के तौर पे भी कह सकता हूं, कुछ नगर पालिकाओं में अफसर शाह ने दबदबा डाला, ये बात सही है, सारे अफसर एक साथ नहीं है। तो ये सारी बातें, उन सारी परिस्थिति को देखते हुए, विधानसभा के चुनाव को देखते हुए कांग्रेस का प्रदर्शन ठीक है। लेकिन रामनारायण जी, समझ नहीं आती कि हार के पीछे अफसर शाही कैसे आ जाती है, ये बात कैसे आ जाती है कि सत्ता का दुरुपयोग किया गया। जब आपकी पार्टी सरकार में होती है तो ये पावर तो आपके पास भी होती है ना, ऐसा तो नहीं है कि जब बीजेपी सत्ता में आती है तो कुछ अलग से पावर उनके पास होती है। देखिए ये दोनों बातें सही है, एक प्रजातांत्रिक पार्टी है एक व्यक्तिवादी पार्टी है, तो ये आपने देखा होगा बीजेपी का जो स्टैंड है, जिस तरह से चल रहा है मामला, वो इसमें कोई दो राय नहीं है। आज प्रदेश में आज जिस प्रकार से दिल्ली से ये आदेश होता है कि साहब हटाया जाए तो विधायकों का बहुमत है, तो ये व्यक्तिवादी स्थिति बीजेपी के साथ है। इसलिए मैं साफ कहना चाहता हूं कि जो कुछ भी हुआ, लेकिन इसके बावजूद भी कांग्रेस का प्रदर्शन गत विधानसभा चुनाव से बेटर है। एक बात चरण जी, आपके ऊपर आरोप यहाँ पर लगा दिया गया कि इनके ऊपर नहीं लगा रहा हूँ मैं, ये तो ये साथ जुड़ी हुई ऐसे आदमी नहीं है और कांग्रेस प्रजातांत्रिक पार्टी, ये तो बिल्कुल, ये तो सारी दुनिया मानती है। देखिए मैं रामनारायण जी की इस बात से कतई सहमत नहीं हूँ, अगर मैं इस ज्यादा डिटेल बहस में नहीं जाना चाहता, लेकिन व्यक्तिगत पार्टी की बात करें तो कांग्रेस गांधी परिवार से बाहर कुछ भी नहीं है, गांधी परिवार में सिमटी हुई पार्टी है, तो शायद व्यक्तिवाद का इससे बढ़िया कोई उदाहरण नहीं हो सकता। और भारतीय जनता पार्टी में ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है पार्टी का नेतृत्व निर्देश हर जगह देता है, लेकिन कहीं भी भारतीय जनता पार्टी में वन मैन शो की तरह से कोई काम ना हुआ है। आज भी मोदी जी का जो एक विस्तृत व्यक्तित्व है, उनकी जो विशाल प्रतिभा है, उससे कुछ लोगों को भ्रम है कि ये पार्टी में मोदी जी छाए हुए हैं, जबकि मोदी जी हर कार्यकर्ताओं को हर स्टेट में जो नेतृत्व दे रहे हैं उन लोगों को पूरा महत्व दे रहे हैं और किसी भी दबाव में काम नहीं करते, चाहे पार्टी का हो चाहे कांग्रेस का हो। खंडेला जी, क्या आप कहेंगे कि दोनों पार्टियां देख लिया लोकतांत्रिक है या तो जवाब आपने पहले दिया था, आप अभी भी ये कहेंगे कि दोनों पार्टियां फिलहाल के लिए व्यक्ति विशेष हो चली? देखिए घनघोर अलोकतांत्रिक है, घनघोर सामंतशाही पर आधारित है और घनघोर एकाधिकारवादी है। और जहां तक साहू जी कह रहे हैं, हाँ कांग्रेस पार्टी गांधी परिवार के बिना कुछ नहीं, बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि गांधी परिवार का नेतृत्व अगर नहीं होगा तो कांग्रेस कांग्रेस ही नहीं रहेगी, कांग्रेस ही छिन्न भिन्न हो जाएंगे, बिल्कुल सही बात है। लेकिन इसका यह बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि वहां पर व्यक्तिवाद हावी है, यानी तुलना के रूप में मैं कहना चाह रहा हूं। लेकिन जहां तक बीजेपी की बात है, सब कुछ आरएसएस का है, एक ही परिवार का प्रभुत्व है, एक ही परिवार का दखल है, एक ही परिवार की दादागिरी है और एक ही प्रकार का साम्राज्य है और एक ही परिवार की बात मानी जाती है। अब देखिए सवाल ये आ रहा है, इससे जरा व्यक्तिवाद आप क्या कहेंगे?
हम राष्ट्र के सबसे ज्यादा कर्मशील व्यक्ति हैं और हमें सबसे ज्यादा सुरक्षा चाहिए जेड प्लस। अरे साहब ये तो अपने आप में दयनीय स्थिति है, आरएसएस की भी और आरएसएस के जो मानने वाले हैं मोदी जी भी उनकी भी है। अब जो साहू जी में देखिए यहां अलग बात चली जाएगी, मोदी जी सब कुछ आड़ते हैं लेकिन जहां बोलना चाहिए वहां मोदी जी। क्या बात है, आपको लगता है कि जो दोनों आरोप यहां पर लगते हुए नजर आ रहे हैं निकाय के चुनाव का इससे कोई लेना देना है? क्योंकि जमीनी हकीकत के साथ चुनाव होता है और यहां पर जो एकदम से सड़क बिजली पानी मूलभूत सुविधाएं ये मुद्दे होते हैं, लेकिन इस बार के चुनाव के अंदर बात मैं अब फिलहाल मैंडेट की नहीं कर रहा हूं, लेकिन दोनों आरोप और प्रत्यारोप के साथ बीजेपी और कांग्रेस दोनों मैदान में नजर आई और चुनाव से पहले तक एक सफाई देते रहे तो दूसरे आरोप लगाते रहे, बस यही दिखाई दिया। देखिए मैं बार बार कह चुका इस बात को, राष्ट्रीय मुद्दों को और जो देश के प्रदेश के मुद्दों को बिना मतलब आप उठा रहे हैं क्योंकि आप सब बातों को छुपाना चाह रहे हैं। और मैं फिर आपसे कहूंगा कि जो वास्तव में मुद्दे थे वो बीजेपी ने कांग्रेस को खूब दिए, लेकिन कांग्रेस अपनी संगठन की शक्ति नहीं होने के कारण, समन्वय नहीं होने के कारण, गंभीरता नहीं होने के कारण, कार्यकर्ताओं को जो आपको प्रोत्साहित और जो है समर्थन नहीं देने के कारण और वास्तव में सत्ता प्राप्ति की ललक नहीं होने के ललक। देखिए मैं क्यों कहना चाह रहा हूँ कि आपको लग रहा हम तो आएंगे ही नहीं। तो खंडेला जी, खंडेला जी, मेरे पास थोड़ी सी वक्त की कमी है, मैं आपसे जानना चाहूंगा क्योंकि 71 का मेरे पास अभी तक परिणाम आ चुका है जिनमें से 41 के अंदर बीजेपी बढ़त है, 21 ऐसी है जहां पर कांग्रेस बढ़त के साथ है लेकिन कितनों पर बोर्ड बनाएगी कंफर्म नहीं है, और 9 ऐसी जगह है जहां पर निर्दलीय जो है वो बीजेपी और कांग्रेस पर हावी है। सवाल मेरा यह है क्योंकि पिछले अगर 2-3 महीने की बात की जाए तो कांग्रेस पूरे तरीके से घिरती हुई नजर आई थी अलग अलग मुद्दों को लेकर। अगर यहां पर 80% बोर्ड बीजेपी यहां पर बना लेती है, फिर चाहे निर्दलियों के साथ मिलकर, फिर चाहे शाम लगाकर, चाहे दाम लगाकर, तो क्या यह विपक्ष को मैसेज जाएगा कि जनता अभी भी बीजेपी के साथ है? देखिए मैसेज तो गया हुआ है कन्हैया जी, वापस जाऊंगा मैं आपके पास वापस आऊंगा। दरअसल मेरे सहयोगी पीयूष के साथ बीजेपी नेता कालीचरण सराफ इस वक्त मौजूद हैं, वो उनसे बात करें। पीयूष, हैंड ओवर टू यू। जी कालीचरण जी, चूंकि बात करें आप जयपुर जिले के प्रभारी है, तालिका है, पहली रिएक्शन आपका क्योंकि अब तक के परिणाम आपके सामने हैं। देखिए 10 की 10 नगर पालिकाओं में भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बनेगा, 10 में से 9 में हम स्पष्ट बहुमत लाए हैं और 1 में निर्दलियों की सहायता से हमारा बोर्ड बनेगा। निर्दलीय आपके फेवर में जाएंगे इसका यकीन कैसे? अब ये तो उसमें 3-4 तो हमारे विद्रोही हैं, वो कहां जाएंगे, वो तो हमारे साथ ही आएंगे, उनसे बातचीत हो गई। तो मान के चले जाए कि जो 10 के आप बात कर रहे हैं, 10 में से 9 तो आपके बोर्ड बनेंगे 10 के 10 बनेंगे, 9 नहीं 10 के 10 बनेंगे। पूरे राजस्थान के परिप्रेक्ष्य की बात की जाए तो आपके सामने रिजल्ट है, कई जगह के रिजल्ट आपके सामने आ गए, आपने देखे भी अभी समाचार प्लस पे, क्या रिएक्शन है? क्योंकि पिछली बार 2010 जब चुनाव हुए थे 126, हमने पहले भी कहा था और अब हम फिर कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में राजस्थान की जनता है। जितने भी चुनाव राजस्थान की धरती पर लड़े गए पहले 1.5 साल में, पहले विधानसभा, फिर लोकसभा, फिर स्थानीय निकाय, फिर पंचायत के चुनाव और फिर स्थानीय निकाय, सब में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जनता ने भारी बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी को जिताया है, प्रचंड बहुमत के साथ जिताया है। ये इस बात का द्योतक है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति जनता का रुझान है और भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 1.5 साल में जो विकास के काम किए हैं उस पर जनता ने मोहर लगाई है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार अच्छा काम कर रही है। 129 निकायों में प्लस तो कर रहे हो, लेकिन परिषद की कभी बात की जाए या कुछ ऐसे परिषद है, चाहे झालावाड़ की बात की जाए वहां बिल्कुल भाजपा नहीं आ पाई, आता और बारा की बात की जाए वहां स्थिति बेकार है, जेतारण की स्थिति देखा जाए वहां से आपके हम जीते हैं, किशनगढ़ में हम जीते हैं, बाकी सब नगर पालिकाओं में हम जीते हैं, तो ये एक एक नगर पालिका के बारे में मत करिए, समग्र रूप से देखिए 129 में से जितने रिजल्ट हम निकले हैं उसमें से 70% से ऊपर भारतीय जनता पार्टी जीती है और बाकी जो परिणाम बाकी हैं वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। अंतिम मेरा प्रश्न था, चूंकि पालिकाओं की बात हो गई लेकिन नगर परिषद की कभी बात की जाए तो मेरे हाथ में जो आंकड़ा है डूंगरपुर, सवाईमाधोपुर, किशनगढ़, भीलवाड़ा, वहां पर बीजेपी का बोर्ड बन चुका है, लेकिन 12 की बात की जाए, धौलपुर की बात की जाए, झाड़ावाड़ा की बात की जाए, प्रतापगढ़ की बात की जाए, कांग्रेस आ चुकी है, लेकिन दौसा, हिंडौन और करौली ये 3 ऐसी जगह है जहां पर कांग्रेस प्लस में है और निर्दलियों की भी भूमिका ठीक है, चाहे नगर निगम हो, जयपुर राजस्थान की 7 नगर निगम, 7ों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा, जितनी भी नगर परिषद है उसमें अधिकांश भारतीय जनता पार्टी का कब्जा, 2-3 नगर परिषदों की बात मत करिए, समग्र बात करिए कि राजस्थान की जनता बड़े शहरों में किसके साथ है। 7 नगर निगम है राजस्थान में, जयपुर, भरतपुर, बीकानेर, उदयपुर, कोटा,
अजमेर सब में भारतीय जनता पार्टी जीती है, सातों की सातों। जहां निर्दलियों की भूमिका रहेगी तो क्या यकीन है आपको कि निर्दलीय भी आपके साथ आएंगे? देखिए निर्दलीय जो जीते हैं उसमें से अधिकांश हमारे ही लोग हैं और निश्चित रूप से निर्दलियों का झुकाव भारतीय जनता पार्टी के प्रति है। वो क्यों है कि उन्होंने भी देख लिया कि पूरे राजस्थान में जनता का झुकाव भारतीय जनता पार्टी के प्रति है, रुझान भारतीय जनता पार्टी के प्रति है, तो वो भी जनता के नुमाइंदे हैं, इसलिए वो भी भारतीय जनता पार्टी के साथ आएंगे। तो निश्चित तौर पे आप सुन सकते हो कि जो निर्दलियों की जहां भूमिका रहेगी, महत्वपूर्ण भूमिका बताई जा रही है, वहां पर भी पूरा यकीन है कालीचरण सराफ जी को कि निश्चित तौर पर वहां पर भी भाजपा का बोर्ड बनेगा और जो निर्दलीय है भाजपा को समर्थन देंगे। जी विजेंद्र, पीयूष इस दौरान जानना चाहेंगे, अगर बात आंकड़ों की जाए तो हर कोई ये कह रहा है बीजेपी के अंदर कि 100+ होगा, क्या शिक्षा मंत्री कालीचरण सराफ जी भी ये मानते हैं कि ये 100+ होगा? जी बिल्कुल, उनसे ही सवाल करते हैं, क्योंकि अब तक ये दावा किया जा रहा था, जो आंकड़े अब तक सामने आ रहे हैं कि जो आंकड़े 129 निकायों के हैं वो 100+ बीजेपी के पक्ष में जाएंगे, आपकी क्या प्रतिक्रिया, आपका क्या दावा? अभी आप इंतजार करिए, कल वोट बनेंगे तब आपको ये जो आपका हमारा जो दावा था उसमें हम सही उतरेंगे। दावा पे बिल्कुल सही उतरेंगे, मतलब 100+ की बात कालीचरण सराफ जी भी कहते हैं। जी चलिए भाई, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, काफी अहम जानकारी आपने यहां पर दी। और शिक्षा मंत्री कालीचरण सराफ का यहां पर कहना है कि जयपुर के अंदर जो 10 वार्ड है उनमें से 9 पर बीजेपी आ रही है और एक में निर्दलियों के साथ मिलकर बोर्ड बना लिया जाएगा, और उनसे पहले ही बात कर ली गई है, चाहे अब इसको प्रशिक्षण कहें, बाड़ेबंदी कहें या कुछ भी और कहें। इस दौरान हमारे साथ जो गेस्ट बने हुए हैं वो हमारे साथ बने रहेंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन जो मैंडेट यहां पर आ रहा है शायद बीजेपी यह संदेश देना चाहती है कि जमकर जश्न मनाइए, ढोल नगाड़े बजाइए, मिठाइयां खाइए, लेकिन हार जहां पे चुके हैं उसकी बात ना कीजिए। छोटे से ब्रेक के बाद जल्द लौटे हैं।